हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक ऐसा स्टडी में तो चलिए आज हम लोग का रीजनिंग का सेकंड क्लास है तो एक बार सभी लोग आप लोग शेयर कीजिए उसके बाद हम लोग अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए प्यार मोहब्बत से चलिएगा शेयर कीजिएगा ये जो है आपका दशरथ मांधी जो बैच है उसका आपका सेकेंड डेज है अर्थात ये तीस दिन चलेगा अगर तीस दिन जो रेगुलर पढ़ लिया समझिए उसका तीस मार्क्स जो है पक्का है आपसे कल भी बोले हैं और आज भी बोल रहे हैं कि आप मुझे तीस दिन दीजिए मैं आपको तीस नंबर दिलाऊंगा ठीक है इसीलिए जो है इसको छोड़ना नहीं है एकदम बहुत ही सीरियस लेके इसको चलना है क्योंकि वैसे तो एग्जाम आपका जो है एक से डेढ़ मंथ के अंदर स्टार्ट हो ही जाएगा तो इसको आपको जो है अगर आपको लेना है सिलेक्शन लेना है तो आप इसको जो है सीरियस लीजिए और मात्र आप प्रत्येक दिन आप दो घंटा जो है मेरे साथ आप पढ़िए उसके बाद देखिए अगर रीजनिंग में आपका तीस में कितना मार्क्स आता है तीस, में तीस ना आए एक दो नंबर अगर कट जाए फिर भी आपका जो है अट्ठाईस उनतीस मार्च तो आएगा ही आएगा ठीक है चलिए एक बार सभी लोग शेयर कीजिएगा सभी लोग शेयर कीजिएगा कल जो है कल देखिए हम लोग दो घंटे रेगुलर पढ़े आज भी हम लोग पढ़ेंगे दो घंटे हम लोग का क्लास होता है और डेली होगा एक बार सभी लोग शेयर कीजिए हम भी शेयर कर रहे हैं कीजिए सभी लोग चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते होंगे चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए कल जो हम बताए थे लेकिन उसमें जो है एक दो कॉन्सेप्ट जो है छूट गया था थ्योरी पर जो था एक दो छूट गया था तो हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते देखिए अगर आपसे प्रॉमिस किए हैं कि आपको तीस में अट्ठाईस उन्तीस दिलाएंगे तो उसके लिए तैयारी भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए इसीलिए जो है हम कुछ नहीं छोड़ेंगे अपने ओर से पूरा हंड्रेड परसेंट लगा दिए हैं बस आपकी बारी है आप भी जो है इसको सीरियस लेके जो है अच्छे से मेहनत करिए उसके बाद देखते हैं कैसे नंबर नहीं आता है देखिए अगर कुछ हमसे छूट गया था कल तो आज सबसे पहले इसको देख लेंगे उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बाद में देखेंगे चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं क्वेश्चन को ही देख सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को ही देख लेते हैं कल एक चीज हम बताना भूल गए थे कि यहां से भी आपका क्वेश्चन आता है कहां से कि कहीं कहीं देखिएगा कि कोई जानवर है और उसका रहने का स्थान से भी आपका क्वेश्चन एनालॉजी से बनता है आपको बताए थे कि एनालॉजी का कोई जो है इसका लिमिट नहीं अर्थात प्रत्येक सब्जेक्ट का ही नॉलेज जो है आपको परख लेता है लेकिन फिर भी जो है आपको एक जो आपको दिए हैं लगभग सात आठ जो पेज का जो पीडीएफ दिए हैं उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जो है लगभग लगभग जो है नाइनटी क्वेश्चन जो है आपका जो है नहीं छूटेगा यहाँ से फिर भी देखिएगा क्या है इसको एक बार आप लिख लीजिए पांच मिनट हम आपके आपसे टाइम लेंगे उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चलेंगे आज आपका एनोलॉजी खत्म हो जाएगा देखिएगा क्या बोले थे कि जानवर अर्थात जानवर का नाम है और इधर आपसे क्या और क्या हम लोग लिख रहे हैं उसका रहने का स्थान यहां से भी आपका एनोलॉजी से क्वेश्चन बनता है अच्छा खासा इसीलिए जो है रहने का स्थान अर्थात कोई जानवर कहाँ रहता है जैसे अगर हम बोले घोड़ा कहाँ रहता है बताइएगा घोड़ा जो है आपका कहां रहता है तो आप जानते हैं कि घोड़ा अगर कहां रहता है तो उसका नाम क्या है देखिए कुछ कुछ हिंदी में देता है उसको हम हिंदी में लिख देंगे जहां आपको इंग्लिश ही केवल पढ़ना होता है वहां के क्योंकि आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहेगा तो इसीलिए जो है आपको हम वो इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग चलिएगा एस के है अरविंद है रिंकू है जेपी ठाकुर है और कौन कौन जुड़े हैं विजय है सभी को गुड मॉर्निंग नीतीश है अतुल है बहुत सही चलिएगा एक बार सभी लोग शेयर करते देखिए ईमानदारी के साथ पढ़ना है और ईमानदारी के साथ आपको शेयर करना है दो काम बस आप तीस दिन करिएगा उसके बाद जो है आपको नंबर दिलाने का जो जिम्मा है वो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए बस आप मेहनत करिए ईमानदारी से मेहनत करिए उसके बाद देखते हैं कैसे नहीं नंबर आता है अगर आपसे पूछे बताइए घोड़ा घोड़ा कहाँ रहता है यहाँ से क्वेश्चन आता है देखिए हम बहुत ही प्रीवियस ईयर लगभग एनालॉजी का लगभग छह सात सौ क्वेश्चन हम देख चुके हैं तो जिसके कारण से हमको तो आइडिया आया है कि कहां से जो है आपका क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है तो उस तरह से जो है आपको हम पढ़ा रहे हैं देखिएगा घोड़ा घोड़ा जो रहता है उसके स्थान को क्या कहते हैं अस्तबल कहते हैं क्या कहते हैं अस्त बल उसी प्रकार से उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दें कि बताइएगा घोड़ा रहता है वह क्या कहते हैं अस्तबल उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दें शेर कहां रहता है तो आप जानते हैं शेर तो लोमड़ी सबसे पहले लिख लेते हैं लोमड़ी कहां रहता है बताइएगा किसी को आता है लोमड़ी लोमड़ी आपका कहां रहता है तो ये मांद में रहता है कहां रहता है मांद अर्थात एक देख, देखते होंगे कभी कभार जंगल अगर आप गए होंगे तो वहां देखते होंगे लोमड़ी रहने का तो एक छेद होता है बनाया है नीचे की ओर उसी प्रकार से अगर शेर का पूछे शेर का स्थान कहां है रहने का तो आप जानते हैं इसका है गुफा क्या है गुफा में रहते हैं उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दें बकरी बकरी का भी पूछ देता है उसी के साथ साथ मुर्गी हो गया और आपका क्या हो गया आपका भेड़ भी लिख सकते हैं इसी में और इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं दड़बा क्या बोलते हैं दड़बा दड़बा इस प्रकार से दड़बा बोलते हैं उसको ये हिंदी में ही आता है इसीलिए जो है आपको हिंदी में लिखा दे रहे हैं उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए उल्लू और गिलहरी कहाँ रहता है तो आप जानते हैं ट्री हॉल अर्थात तो उसका जो जो आपका पेड़ होता है उसमें हॉल बना के वो रहते हैं ट्री हॉल जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं गिलहरी लिख लीजिए गिलहरी और आपका क्या है उल्लू कहां रहता है ट्री हॉल जिसको बोलते हैं हिंदी में कोटर क्या बोलते हैं कोटर अगर इंग्लिश में लिखे तो आप लिख सकते हैं ट्री हॉल क्या हो जाएगा आपका ट्री हॉल हो जाएगा ट्री हॉल हो जाएगा क्लियर है और आपका इसमें कुछ छोट गया घोड़ा हो गया लोमड़ी हो गया शेर हो गया बकरी हो गया मुर्गी हो गया चलिए ये हो गया अगर इस प्रकार से अगर आपसे पूछ दे गाय तो गाय तो आप जानते होंगे गोशाला में इसका रहने का स्थान कहाँ है गोशाला अगर पूछ दे भैंस बताइए तो भैंस कहाँ रहता है तो आप जानते हैं बाड़ा में बाड़े बोलते हैं हम लोग तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा यहां से भी जो है आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है तो इसको भी आपको हाँ बहुत सही दड़बा बता रहे हैं जेपी ठाकुर इस प्रकार से आंसर करिए देखिए कमेंट करने से क्या होगा ना जो हम बता रहे अगर वही कमेंट कर रहे हैं तो आपका एक तरह से वहां रिवीजन भी हो जा रहा है तो आप इस तरह भी इसको जो है देख के आप पढ़ने कोशिश करिए हाँ बहुत सही बहुत सही तो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं घोड़ा को बोलते हैं अस्तबल लोमड़ी जहां रहने का स्थान को बोलते हैं मान शेर का रहने का स्थान को बोलते हैं गुफा बकरी मुर्गी भेड़ अगर रहता है वो दड़बा बोलते हैं गिलहरी और उल्लू रहने का स्थान को कोटर बोलते हैं गाय कहा गौशाला में और भैंस कहाँ रहता है तो बाड़े में रहता है अर्थात तो उसका रहने का स्थान क्लियर है तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है इसीलिए इसको जो है हम बता दिए सही बात है चलिएगा आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से एक आपका और छूट गया था कि कोई जानवर और उसके बच्चे का नाम यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहा था इसीलिए जो है हम सोचे नहीं इसको पढ़ा देना है सबसे अच्छा काम होगा इसीलिए जो है इसको पढ़ा दे रहे हैं बाकी बात क्वेश्चन में आएगा तो वो तो हम लोग देख ही लेंगे उसी प्रकार से इधर लिखिए आप जानवर आपको देखिए कल जो है लगभग आठ सात पेज का पीडीएफ डी एफ दिया उसको भी पढ़िएगा ये जो आज लिखा रहे हैं बस इसको पढ़ लीजिएगा एनालॉजी फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होगा कोई भी एग्जाम दे रहे हैं कोई भी एग्जाम जरूरी नहीं कि ग्रुप डी लिख दिए तो ग्रुप डी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर हम करवार हैं लेकिन कोई भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ के लिए जो है इनफ है आपका रीजनिंग अगर जानवर है और इधर क्या है उसके बच्चे का नाम क्या है बच्चे का नाम अगर आपसे पूछ दें बताइएगा आपका जो भालू होता है भालू के बच्चे का नाम क्या होता है इंग्लिश में ये आता है हमेशा भालू के बच्चे पूछ देगा शेर के बच्चे टाइगर के बच्चे क्या होता है बताइएगा कमेंट कीजिएगा बच्चे का नाम कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी और दिमाग के साथ साथ हाथ भी फ्री रखना है क्योंकि आप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसीलिए जो है आपको जब पूछे कुछ तो मुंह ना खोल करके आपको जो है अपना हाथ और दिमाग खोलना है चलिएगा सर राज और राजधानी से आता है राजधानी तो आपको जानते भी होंगे देखिए राय राजधानी कल हम बता दिए थे कहां, कहां से आता है सब कुछ एक चीज भी नहीं छोड़े और छोड़ेंगे भी नहीं बता दे रहे एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे ये जो हम बहुत ही ईमानदारी से आपको पढ़ाएंगे तीस दिन अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो देखिएगा आप पे जो है कितना जो है रीजनिंग जो है कभी भी आपको जो है आ, क्या कहते हैं हार्ड नहीं लगेगा या तो उसमें नंबर उठाने में आपको कभी परेशानी नहीं होगा जैसे अगर आपसे पूछ दें टाइगर टाइगर के बच्चे हो गया चाहे लायन के बच्चे हो गया चाहे आपका क्या हो गया बी आर भालू के बच्चा चाहे अगर आप लोमड़ी का बच्चा लेते हैं तो सभी के बच्चे को हम लोग क्या कह देते हैं कब कहते हैं क्या कहते हैं कब है? उसी प्रकार से अगर आपसे हम पूछ दें कि बताइएगा कुत्ता के बच्चा को क्या कहते हैं तो ये आप जानते होंगे कुत्ता के बच्चा को क्या कहते हैं पप्पी बोलते हैं उसी प्रकार से उसी उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दें बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग किटेन कहते हैं क्या कहते हैं किटेन अगर आपसे पूछ दें अगर आपसे हम पूछ दें कि बताइएगा क्या हो गया डॉग हो गया कैट हो गया और क्या क्या बच गया इसमें अगर आपसे पूछ दें बताइएगा कि गधे के बच्चा को क्या कहते हैं तो फॉल कहते हैं क्या कहते हैं फॉल और इसी में आप कंफ्यूज कर जाएंगे अगर आपसे पूछ दें हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं कहीं कहीं आपको फॉल भी मिलेगा लेकिन इसका स्पेशल एक होता है कॉल्ट होता है सी ओ एल टी कॉल्ट होता है क्या होता है कॉल्ट होता है तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा और कुछ छूट गया और लिख लीजिए छह नंबर में आप इसको लिख सकते हैं क्या गोट के बच्चे को क्या कहते हैं बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं कीड कहते हैं क्या कहते हैं कीड कहते हैं अगर आपसे बोल दें कि बताइएगा बताइएगा कि भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं सीप के बच्चे को क्या कहते हैं तो आप जानते हैं सीप के बच्चे को क्या कहते हैं लैंप कहते हैं कि लैम्प होता है इसको थोड़ा लैंप ही होता होगा चलिएगा और क्या होता है और कुछ छोटा यहां से पूछता है अगर एक पूछता है आपका आ, गोट हो गया एस कैट लगभग तो हो गया अगर आपसे पूछ दे हैन के बच्चे को क्या कहते हैं तो चिकेन कहते हैं क्या कहते हैं चिकेन कहते हैं तो इतना बस आप याद रखिए आपका यहां से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो इतना यहां से जो है हमेशा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए जो है आपको हम बताना सही समझे हाँ सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करिए आप लोग देखिए ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं तो ईमानदारी के साथ आप लोग भी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं कल देखिए कल तो जो है हम लोग लगभग पचास क्वेश्चन किए थे और आज भी लगभग हम लोग पचास क्वेश्चन लगभग क्रॉस करने की कोशिश करेंगे चलिएगा अब आंसर करिए सभी लोग आंसर करिए क्या है क्या बोला है क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि प्रथम दो आप जानते हैं एनालॉजी क्या होता है अर्थात या तो फिश फिशेस जिस प्रकार से एक्वेरियम से संबंधित होगा या एक्वेरियम जिस प्रकार से फिश से संबंधित होगा उसी प्रकार से रिलेशन यहां दिखाना होता है एक चीज बता दे रहे हैं जैसे देखिए अगर इस प्रकार से पूछा है अगर ये इस प्रकार से दिया है समानुपात C इंटू डी इस प्रकार से करने का अर्थ ये हुआ कि ये जिस प्रकार से B से, से संबंधित है ये जो है D आपका नहीं रहेगा यहां जो है D आपका एक नहीं रहेगा एक जो है C और D में आपका एक नहीं रहेगा तो मान लेते कि यहां एक खाली है आपका

किस प्रकार से हम लोग बी को ये लिखें तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ एक माइनस कर दिए होंगे उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे यहाँ क्या कर देंगे हम लोग एक माइनस कर देंगे तो दोनों तरह से लॉजिक लग सकता है मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये और बी से भी लॉजिक लग सकता है अतो बी का ये से भी लॉजिक लग सकता है जिस प्रकार से यहाँ लॉजिक लगेगा उसी प्रकार से आपको आगे भी लगाना है क्लियर है चलिएगा आप क्वेश्चन पे चलते हैं कल इसको बता दिए थे फिर भी एक बार जो है हम आपसे बताएं हम आपको बता दिए चलिएगा इसका आंसर कीजिएगा सभी लोग आंसर करिए देखिए आंसर करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा कमेंट सेशन में पीडीएफ का लिंक डाल दीजिए दे। देखिए उतना जैसे मेरे पास तो अभी कोई टेक्निकल टीम है नहीं तो आपको जो है एक व्हाट्सअप नंबर दे रहे इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा मैसेज नहीं हाँ इस पर आप मैसेज कीजिएगा उसके बाद आपको हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे वहां भेज दिए थे कल सुबह जैसे ही क्लास खत्म हुआ वैसे ही जो है आपका जो भी कंटेंट होता है वहां भेज देते हैं जैसे ये नंबर है मेरा सेवन फोर एट एट सेवन फोर जीरो फोर फोर इस पे जो है आप मैसेज केवल कीजिएगा सिर्फ सिर्फ एट एट फोर 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 अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या है चलिए आंसर कीजिएगा बोला क्या है कि फिश को क्या बोल रहा है एक्वेरियम बोल रहा है कहने का अर्थ ये है कि आप जानते हैं बहुत सारे जो बड़े लोग होते हैं बड़े लोग क्या बहुत लोग आजकल नॉर्मल लोग भी रखने लगे घर में जो है थोड़ा अच्छा लगने के लिए क्या करता है मछली उछली रखा लग, र... रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्वेरियम बोलते हैं बोलते हैं कि नहीं अर्थात फिश का रहने का स्थान क्या है एक्वेरियम उसी प्रकार से बर्ड का रहने का स्थान क्या है तो आप जानते हैं बर्ड जहां रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एवेरी बोलते हैं क्या बोलते हैं एवेरी बोलते हैं तो इसको आप ध्यान रखिएगा फिश का रहने का स्थान एक्वेरियम उसी प्रकार से बर्ड जहां रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं एवेरी बोलते हैं क्या बोलते हैं एवेरी चलिएगा। आगे बढ़े आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा देखिए संदीप बोल रहे हैं हैं कि आप बोलते हैं तो सुनते नहीं देखिए अगर हम सुनने लगेंगे तो तीस दिन में कैसे रीजनिंग खत्म करेंगे यही तो बात है तो सुनेंगे आराम से सुनेंगे लेकिन आप जो है कुछ अगर बोलना होगा पर्सनल तो आप जो नंबर दिए उस पर मैसेज कर दीजिएगा हम देख लेंगे ठीक है संदीप देखिए टाइम नहीं है उतना इसीलिए हम उस प्रकार से करते नहीं तो कमेंट अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे फिर आप बोलेंगे बोल लिए और खत्म नहीं कर रहे हैं देखिएगा यहां क्या दिया है हैन कॉक कॉक क्या होता है मुर्गा और हैन क्या होता है आपका मुर्गी क्या है कि उसका जो है फीमेल कनेक मतलब ये मेल है उसी का फीमेल बताया है तो यहां भी हम वही लॉजिक लगाएंगे इसका ये मेल ये क्या होगा मेल होगा तो इसका फीमेल क्या हो जाएगा बताइएगा आप जानते हैं अस्टेक मिस क्या होता है होता है हिरन देखिए डियर मिस भी हिरन होता है और स्टेज मिस भी मिस हो, भी हिरन होता है तो ये हो गया हिरन और इस, इस, इसी का अगर फीमेल देखेंगे तो क्या हो जाता है इसका क्या हो जाएगा हिंड हो जाएगा क्या हो जाएगा हिंड हिंड मिस क्या होता है आपका फीमेल हिरन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंड बोलते हैं उसी प्रकार से यहां देखिए ऑप्शन भी है ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं देखिए गूज क्या होता है गूज हम लोग बोलते हैं हंस को उसी का गीज हो जाएगा अगर फीमेल हंस को बोलते हैं क्या गीज और मेल का गूज बोलते हैं उसी प्रकार से ये क्या है विक्सन क्या है तो आप जानते हैं फॉक्स होता है फॉक्स मीन क्या होता है लोमड़ी अगर हम फीमेल लोमड़ी का नाम बताएं इंग्लिश में तो क्या हो जाता है आपका विक्सन हो जाता है तो इसको भी ध्यान रखिएगा यहां से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है क्लियर है कैसे नहीं सुना था ये हो नहीं सकता संदीप कुमार आप इस तरह नहीं बोलिए कि आप मैसेज करेंगे नहीं हम सुनेंगे जितने लोग मैसेज किए हैं बहुत लोग मैसेज किए हैं कल लगभग जो है बहुत ही अच्छा खासा स्टूडेंट ने मतलब भाई ने जो है हमको कमेंट अथी व्हाट्सएप किए थे बोले थे कि आप कुछ भी जो क्वेश्चन जिसको पूछना था वो क्वेश्चन भी पूछे या तो किसी को बोल रहा था कि ग्रुप में ऐड कर दीजिए सबको हम ग्रुप में ऐड किए एक एक करके अब बोलते हैं नहीं देखते हैं मैसेज विक्सन बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग विक्सन क्या लोमड़ी लोमड़ी अगर वही फीमेल लोमड़ी हो उसको हम लोग विक्सन बोलते हैं ये तो बता दें स्टेट मिस क्या होता है आपका हिरन और फीमेल हिरन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंड बोलते हैं चलिएगा इस क्वेश्चन का आंसर करिए और देखते हैं किसका किसका फिजिक्स थोड़ा अच्छा है इसका कमेंट हम चेक करेंगे इसीलिए आप लोग मैसेज करके जो है इसका आंसर करिएगा कमेंट करके जो है इसका आंसर करिएगा चलिए आंसर कीजिए सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए चाहे गलत हो चाहे सही लेकिन कमेंट जो है सभी को करना है अभी तक नहीं आया आंसर विवेक का आया हाय चलिएगा आंसर करिए विवेक करंट चलिएगा करंट करंट सभी को करंट लग गया है बोल रहा है कि वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज से संबंधित है इसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि वोल्टेज को जो नापा जाता, ना जाता है वो किससे नापा जाता है वोल्ट मीटर से उसी प्रकार से यहां जो आएगा नापा जाएगा किससे एमीटर से तो बताइएगा अमीटर क्या होता है किससे नापते हैं करंट को हम लोग किससे नापते हैं अर्थात यहाँ क्या है करंट को हम लोग किससे नापते हैं अमीटर इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ आपका करंट हो जाएगा जानते हैं कि नहीं दो चीज होता है एक वोल्टेज होता है वोल्टेज को हम लोग नापते हैं वोल्ट मीटर से और करंट को हम लोग नापते हैं अमीटर से तो इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छा बताइएगा प्रेशर किससे नापते हैं तो आपको बताए प्रेशर जो नापते हैं हम लोग बेरो से नापते हैं देखिएगा अगर मेरे साथ पढ़िएगा ना तो आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज हम दे देंगे बैरोमीटर का चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो कोई भी चाहे जीएस हो प्रेशर क्या होता है प्रेशर को नापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेरोमीटर एनर्जी आप जानते हैं पावर कल बताए थे पावर का कल ऐसा यूनिट बताए थे क्या वाट होता है क्या होता है आपका वाट होता है एनर्जी क्या होता है एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल होता है तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका रेलवे में जो है इस प्रकार से क्वेश्चन ऐसा वाला जो है एक तो आएगा फिजिक्स से ठीक है पावर जो हम लोग नापते हैं वो अगर रीजनिंग में आपसे पूछ देगा पावर हम लोग नापते हैं अश्व शक्ति में अश्व शक्ति एक तो वाट से नापते हैं एक शक्ति भी होता है तो इससे भी हम लोग नापते हैं कभी कभार रीजनिंग में इस प्रकार से भी पूछ देगा कि पावर अश्व शक्ति तो बताइए अमीटर किससे होगा समझ रहे तो आप तो देखिए कि पावर को हम लोग किससे नापते हैं अश्व शक्ति से नापते हैं कि नहीं एक अश्व शक्ति इक्वल टू कितना होता है थोड़ा इसको भी बता दीजिए एक जो है अश्व शक्ति इक्वल टू कितना होता है चलिए बताइएगा राणा जी बताइएगा धर्मेंद्र अरविंद सभी लोग आंसर करिए बलवंत जी चलिएगा नाम ले लिया चलिए देखिएगा क्या है कि नाइट ब्लाइंडनेस है आपका साइट साइट साइड मीन्स थोड़ा इंग्लिश तो आना चाहिए इतना एक नॉर्मल इंग्लिश है तो आपको जो है कम से कम फाइव सिक्स का जो इंग्लिश है उतना तो आपको आना चाहिए उतना तो रेलवे उद... आपको इंग्लिश पूछता नहीं है लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आता ना तो एक दो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा से खास करके देखिएगा साइट जो होता है साइट मिस क्या होता है दृष्टि क्या होता है दृष्टि होता है तो बताइएगा अर्थात लिख दें क्या दृष्टि होता है तो देखिएगा साइट मिस क्या होता है दृष्टि और ये नाइट ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है आप सोचेंगे कि इसको हिंदी में देगा हिंदी में नहीं दिया है अगर हिंदी में दिया रहता तो आपको हिंदी में ही क्वेश्चन दिखाता है ये जो है इंग्लिश में ही आपको देगा दोनों में इंग्लिश में भी अगर इंग्लिश से भी दे रहे हैं तो आपको यही क्वेश्चन रहेगा हिंदी से भी दे रहे हैं तो आपको इसी तरह क्वेश्चन दिखेगा तो हम जानते हैं कि साइड में क्या होता है दृष्टि अर्थात जब किसी का दृष्टि खराब हो जाता है अर्थात नाइन बुलेंस में क्या होता है रतौंधी होता है ना जिसको रात में नहीं दिखाया जाता है. तो अर्थात जब जब मेरा जो है दृष्टि जो है खराब हो जाता है तो एक प्रकार से ये बीमारी है क्या है साइट का एक बीमारी है क्या नाइट ब्लाइंडनेस उसी प्रकार से स्पीच का कोई बीमारी होगा अर्थात बोलने से संबंधित कोई बीमारी होगा तो देखिए बोलने से संबंधित कौन बीमारी टॉक टॉक मिस होता है बात करना ये तो नहीं होगा ये बीमारी स्पीक ये भी वही बोलना ही होगा और लेक्चर ये भी नहीं होगा तो क्या होगा सटन देखिए ऑप्शन से भी आप साढ़ सकते हैं ये इसका अर्थ क्या होता है कि रुक रुक कर बात करना क्या होता है रुक रुक कर बात करना रुक रुक कर बात करना तो देखिए आप ऑप्शन से भी कर सकते ये क्या बीमारी टॉक स्पीक लेक्चर तो नहीं स्पीक का क्या हो जाएगा आपका स्टूटर हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रुक रुक कर बात करना जो रुक रुक कर बात करते हैं हकलाता है जिसको तो एक प्रकार से उसका क्या है बोलने से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है बीमारी है, है कि नहीं तो इस प्रकार से देखिए आप जब भी एग्जाम में बैठे ना तो जो क्वेश्चन नहीं बने उसको ऑप्शन नेग्लेक्ट करने की कोशिश करिए ऑप्शन जो है उसका छांटने कोशिश करिए अब देखिए कि क्या फिफ्टी फिट पे था दो ऑप्शन अगर आप छांट लिए तो अगर नहीं भी आ रहा है फिर भी उसको मार ही दीजिए क्योंकि पचास परसेंट चांस है आपका जो है सही होने का लेकिन अगर आपका तीन ऑप्शन में अगर फंस रहा है तो उसको मत मारिएगा नहीं तो जो है रेलवे में आपका जो है बहुत ही ज्यादा उसका नेगेटिव मार्क्स जाता है और आपका रैंक में भी नॉर्मलाइज में भी उसका जो है कुछ प्रभाव देखा जाता है बताइएगा इसका क्या होगा कीजिए सभी लोग सभी लोग राजेश जी देखिएगा क्लास जो है आपका सेकंड क्लास है ये तीस दिन का क्लास है और तीस दिन समझिए अगर आप पढ़ लिए तो तीस नंबर आपका ग्रुप डी में पक्का लेकिन हाँ तीस दिन कैसे पढ़ना दो घंटा यहाँ पढ़ना है और हल्का फुल्का घर में भी पढ़ना है अर्थात तो उसको प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं आपको आज तो उतना रह नहीं जाएगा तो उसको हल्का फुल्का घर में भी प्रैक्टिस करिए और दो घंटा बस साठ घंटा जो है अर्थात कितना होगा घंटा घंटा जो है आप मेरे साथ पढ़िए उसके बाद आप देखिए कितना तरक्की करते हैं बोला क्या है कि फिश है फिश को हम लोग क्या दिखाए हैं सोल्व आप जानते हैं कि फिश के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं सोल्व तो वही लॉजिक से हम लोग गुड्स गुड्स मिस क्या होता है गुड मिस होता है अच्छा लेकिन गुड्स मिस क्या होता है समान समान होता है अगर कोई नाउन अच्छा से पढ़ा पढ़े होंगे तो वहां को दिया होता है गुड्स गुड्स क्या होता है आपका सामान तो सामान के भंडार को हम लोग क्या कहते था उसके ग्रुप को क्या कहते हैं जहां बहुत सी सामान रहता है वहां क्या कहते हैं हम लोग आइटम्स कहते हैं नहीं कहते हैं अर्थात अच्छा आइटम्स आपका दूसरा गैंग कहते हैं ना गैंग क्या होता है जो उपद्रव के जो संगठन होते हैं उसको हम लोग गैंग जो मार काट करने वाला काम करते हैं तो उसके ग्रुप को हम लोग गैंग कहते हैं उसी प्रकार से क्या है मोब होगा मोब नहीं होगा मोब क्या होता है हिंसक भीड़ कभी कभार कहीं झगड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा भीड़ लग जाता है तो उसको कहते हैं मोब उस भीड़ को क्या कहते हैं मोब लिखता स्टॉक हो जाएगा स्टॉक मीन क्या होता है आपका स्टॉक कहाँ रखा है अर्थात आपका जो है भंडार कहाँ है स्टॉक कहाँ है तो ये जो होता है जब माल के जो भंडार को हम लोग क्या कहते हैं स्टॉक कहते हैं क्या कहते हैं स्टॉक कहते हैं तो इसको आप ध्यान रखिएगा ठीक है तो जिस प्रकार से फिश के जो ग्रुप होते हैं उसको सोल्व कहते हैं उसी प्रकार से गुड्स के जो ग्रुप मतलब कह सकते हैं भंडार वो क्या हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टॉक कहते हैं तो आंसर भी आप करते जाइएगा मैथ का जो है क्लास हो रहा है एक साथ क्लास ले रहे हैं आपका तो उसको भी आप साथ साथ में पढ़िए और शेयर भी करिएगा ईमानदारी से ये नहीं कि हम बोल रहे हैं फिजूल बोल रहे हैं आप शेयर कीजिएगा अपने जो भी आपके दोस्त संग साथी आ रहे हैं उसको आप जरूर एक बार बताइएगा इसके बारे में ठीक है चलिए ये शायद क्वेश्चन कल हम कर लिए थे फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं ये जो है आपको यहां काट के कोरिया के जगह हम क्या कर दे रहे हैं क्योंकि कल ये क्वेश्चन हो गया था तो बताइएगा इसके जगह हम कर रहे हैं कर देते हैं बताइएगा साउथ ये कौन देश ले लें कल जो पढ़ाए वही लेते हैं इराक बताइएगा अर्थात यहाँ क्या इराक है कोरिया के जगह आप इराक ले लीजिए तो जापान को डिनोट किया किससे दिखाए हैं उसका जो है एनोलॉजी क्या है उसका जो सदृशता दिखाए येन से करने है कि जापान और येन में कुछ संबंध होगा तो हम जानते हैं कि जापान के करेंसी को ही हम लोग येन कहते हैं अगर जापान के करेंसी को येन कहते हैं तो इराक के करेंसी को क्या कहते हैं तो इराक के करेंसी को क्या कहते हैं हम लोग दिनार कहते हैं क्या कहते हैं दिनार और उसके आसपास जितना भी कंट्री होगा सभी का करेंसी क्या होता है दिनार ही होता है अगर आप मैप से अगर याद करेंगे ना मुद्रा मुद्रा अर्थात करेंसी तो आपको तुरंत याद हो जाएगा एक घंटे में याद हो जाएगा पूरा लगभग अस्सी नब्बे देश का आप आदि कर लेंगे नहीं तो अगर इस प्रकार से रटेंगे एक एक कोलम बाज कोलम अगर आपका दिया है उस प्रकार से अगर याद कर रहे हैं तो आपको दो दिन लग जाएगा और वो भी भूल जाएंगे दो दिन में तो आप पढ़िए किस प्रकार से मैप ले लीजिए और देखिए कि वहां आसपास में जो कंट्री है उसका क्या है अगर आप दक्षिण अमेरिका चल जाएंगे तो वहां कौन होगा जो आपका इसका अर्जेंटीना का करेंसी कल क्या बताए थे क्या बताए थे आपका देखिए दिमाग में नहीं आ रहा है अर्थात तो वो जो अर्जेंटीना का जो करेंसी है वही आसपास में जितना करेंसी है कंट्री है सभी का वही है आपका करेंसी का नाम वही है तो इस प्रकार से मैप के थ्रू आप याद करिए आपको ज्यादा याद होगा अगर कहीं कोरिया दे देता तो इसका आंसर क्या हो जाता आपका आप जानते हैं क्या होता है वन होता है दक्षिण कोरिया चाहे उत्तर कोरिया दोनों का करेंसी क्या है वन ही है पॉन्ड आपका कहां का है तो जानते हैं ब्रिटेन का होता है डॉलर आपका कहां का है तो डॉलर जो है आपका दो देश दो देश का बहुत ही देश का है लेकिन ये आपको जो पूछा जाता है जा अधिकांश जो है पूछा जाएगा आपका अमेरिका दे देगा अमेरिका का भी क्या है डॉलर ऑस्ट्रेलिया का भी क्या है डॉलर ही है आपका करेंसी तो यहां से क्वेश्चन आता है करेंसी से तो इसको ध्यान रखिएगा चलते हैं आगे चले इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और यहां थोड़ा आपका जीएस टेस्ट करेंगे चलिएगा इसका आंसर करिए चलिएगा क्या है द कॉलेजियम को इटली से दिखाया तो पेट्रा कहां होगा अगर आप जीएस अगर पढ़ते होंगे तो इसका आंसर कर पाएंगे नहीं तो आप अन्यथा नहीं कर पाएंगे देखते हैं कौन कौन जीएस पढ़ते हैं चलिएगा दिनार दिनार नहीं हो गया चलिए राजेश धर्मेंद्र आगे बढ़िएगा आगे बढ़िएगा और इस क्वेश्चन का आंसर करिए क्या बोले हैं अगर द कॉलेजियम को हम इटली से आपका सदृशा दिखाया था इससे इसको रिलेट किया है तो पेट्रा का किससे साथ जो है उसी प्रकार से रिलेट, रिलेट रिलेशन किसके साथ होगा बताइएगा तो आप एक चीज देखिए आप जानते होंगे चलिए कमेंट इसका देख लें जॉर्डन जौर, जॉर्डन बता रहे अरविंद का आंसर आया है केवल जॉर्डन चलिएगा सभी लोग कमेंट करिए सभी लोग कमेंट करिए बी बता रहे चलिए बी आ गया अर्थात किसका आ गया अरविंद का रितेश का दो का मात्र आंसर आया देखिए सभी लोग आंसर करिए यहां से आपका बहुत क्वेश्चन आपका बनता है समझिएगा कॉलेजियम जो है ना वहां का बहुत ही पुराना एक क्या है आपका कह सकते हैं जिस प्रकार से हम लोग का धरोहर है विश्व धरोहर है एक प्रकार से तो इटली का जो कॉलेजियम हो क्या है आपका एक विश्व धरोहर है। अर्थात इटली का क्या है आपका एक कॉलेजियम क्या है विश्व धरोहर उसी प्रकार से पेट्रा पेट्रा का जो है विश्व धरोहर क्या है आपका क्या है जॉर्डन अर्थात पेट्रा जो है ना पेट्रा होता क्या है तो आप यूट्यूब में कभी देखिएगा यूट्यूब में भोजपुरी गाना हिंदी गाना पूरा देखते हैं कम से कम इतना तो देखिए पेट्रा जो है पूरा अर्थात सात अजूबा जानते हैं कि विश्व में जो है सात अजूबा है तो ये दो अजूबा यही सब है एक कॉलेजियम है एक पेट्रा और एक मेरा भारत में है ताजमहल तीन हुआ एक चौथा है चीन की दुआ एक है माछू पिच्चू जो है आपका पेरू में है चार होगा पांच में कौन है आपका पांच में जो है एक मेक्सिको में

तो बड़े बड़े चट्टान से एक प्रकार से जो है बहुत पुराना एक आ, क्या बोलते हैं उसको शहर बसाया गया था लगभग उस प्रकार से तो पेट्रा जो है बहुत ही आप देखेंगे इसको यूट्यूब में जाके देखिएगा कि पेट्रा होता क्या है पेट्रा कहाँ है पेट्रा तो आप बता दिए जॉर्डन में लेकिन पेट्रा है क्या तो चट्टानों से बनाया गया एक बहुत बड़ा शहर है एक प्रकार से समझ सकते हैं तो इसको अगर आप नहीं जान रहे हैं तो समझिए आपका जीएस कमजोर है है कि नहीं अगर आप दुनिया के सात अजूबा है अगर वही नहीं जान रहे हैं तो वहां से क्वेश्चन तो आता ही है माछू पिचू को कभी देखे हैं बहुत ही ऊंचाई पर बसा एक शहर था जो पेरू में है बहुत दिन बाद जो है उसको खोजा गया कॉलेजियम जो है कब है आज से नहीं दो साल पहले जो है बनाया गया एक स्मारक है तो इसको जो है आप ध्यान रखिए चलिए आप देखिए अब से जो है आपका जो है आपका लेटर से संबंधित जो आपका एनोलॉजी का क्वेश्चन बनता है वहां से जो है अभी जो है स्टार्ट हो गया आपका क्वेश्चन आना चलिएगा इसका आंसर करिए क्या बोला है कि अगर पुणे को किससे दिखाया गया एक्स एस एक्स, एक्स, एक्स क्यू एफ को तो सिटी से किसे दिखाएं तो जैसे ही आपको लेटर दिख जाए आप क्या करिए उसका नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए आप जानते हैं कि उसका नंबर क्या होता है नंबर क्या होगा वन होगा एक चीज आपको बता रहा है सभी का नंबर आद होना चाहिए एकदम दिमाग में जैसे नंबर देख ले क्यू सत्रह बाईस एकदम एक सेकंड, से एक सेकंड बोले ना तुरंत उसका नंबर आप बता दीजिए तो देखिए कितना आप फास्ट करेंगे अब देखिए क्या है पुणे है इसका मतलब क्या हो गया पुणे सोलह क्या हो गया इस प्रकार से आप रीजनिंग पढ़िए सोलह इक्कीस चौदह पांच और इसको क्या लिख दिया उन्नीस चौबीस चौबीस सत्रह छ अब देखिए क्या हुआ सोलह उन्नीस तीन बढ़ा है तीन बढ़ा है इसमें भी तीन बढ़ा है और यहां भी क्या है यहां भी क्या हो गया यहां भी आपका क्या हो गया तीन बढ़ेगा पुणे तीन यहां नहीं बढ़ा और चार हो गया चौदह तीन सत्रह हो गया ये पांच है और ये आपका छह हो गया अर्थात यहाँ केवल एक ही बढ़ा है, एक, यह है तो यहां देखने की तीन में तीन तीन, 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 तीन तीन बढ़ा है और एक में एक बढ़ा है तो वही हम पहले लॉजिक लगाएंगे कितना है तीन है तीन दोनों कितना होता है छे, छे ये का है? ये फिर यही है और चलिए दो ऑप्शन है देखिएगा फिर से बता रहे हैं कि यहां आप क्या देख रहे हैं कि इसमें भी तीन बढ़ा है यहां भी तीन का आपको एड हुआ, हुआ केवल एक ही का एड हुआ है और इधर क्या हुआ है प्लस तीन तीन का हुआ है तो इतना आपको लिखना नहीं है जब आप लेटर याद कर लेंगे ना तो यू ही बना जाएंगे तुरंत सेकेंडो में जो इतना हम लिखते नहीं अब देखिएगा इधर जो इधर किए हैं वही इधर कर देंगे क्या होता है सिटी आई टी वाई तो इसको लिखेंगे तीन नौ बीस पच्चीस क्या करेंगे तीन बढ़ा देंगे अगर तीन आप बढ़ा देंगे तो कितना होगा छह तेईस और कितना हो जाएगा आपका पच्चीस और एक केवल करेंगे छब्बीस क्योंकि यहां एक ही हुआ है तो छे को क्या लिखते हैं छे को हम लोग लिखते हैं एफ ये, ये क्या हो जाता है आपका ये, ये क्या हो जाता है आपका डब्लू ये, ये क्या हो जाता है आपका जेड यब्ल्यू जेड ये आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा तो इतना जो है ये लिखे हैं ये आपको समझाने के लिखे हैं। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है और एक चीज आप कर लीजिएगा अल्फाबेट जो भी है अर्थात जो भी आपका अल्फाबेट लेटर है उसका सभी का नंबरिंग आप याद रखिएगा समझ रहे हैं नंबर आप याद रखिएगा कि सोलह है तो सोलह में कौन आता है अर्थात तो सोलह किसका नंबर है तो सोलवे नंबर पे कौन आता है आपका पी होता है देखिए क्या होता है अगर एबीसीडी आप लिख लीजिए इस प्रकार से और उसको याद करिए तो ही होगा तो देखिएगा आपका स्पीड कितना खतरनाक हो जाएगा याद करने में ज्यादा कुछ नहीं लगेगा देखिए अगर इस प्रकार से लिख लीजिए ये है बी है सी डी एफ जी एच इस प्रकार से पूरा जेड तक लिख लीजिए इसका एक होता है इसका नंबर क्या होता है ये एक इसका दो ये तीन हो जाएगा चार पाँच छ सात आठ और दो चार बार जो है इसको सुबह शाम जो है टॉनिक के रूप में जो है इसको आप पढ़ लीजिए उसके बाद देखिए तीसरा चौथा दिन से आपको जो है खुद बे खुद दिमाग में जो है अपने से आने लगेगा तो इसको जो है ध्यान से जो है सुबह शाम आप देखा करिए कम से कम उसके बाद आपसे याद हो जाएगा आपको ऑपोजिट आता है ऑपोजिट आपको याद है नहीं ना एक लव स्टोरी से आपको याद करवा देंगे थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं चलिएगा एक इतना मजेदार उसका कहानी है कि मजा आ जाएगा चलिएगा इसको देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाइए यहां क्या दिया है बी एफ के तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे दो छ्यारह को लिखा है नौ तेरह अठारह क्या बोले समझ में समझ आ रहा है कि नहीं ये बोले दो छह ग्यारह है वो बोला है आई एम यार हम बोलेंगे नौ तेरह अठारह है तो क्या किया होगा सात बढ़ाया है सात बढ़ाया है सात बढ़ाया तो हम यहां डायरेक्ट कैट कर लेंगे चार है सात है सोलह है क्या करेंगे हम भी सात सात बढ़ा लेंगे हो जाएगा आपका ग्यारह ग्यारह होता है क्या के सात और सात कितना होता है चौदह चौदह क्या होता है एन सोलह और सात कितना होता है सोलह और सात होता है तो इस क्या होता है डब्ल्यू खत्म डब्ल्यू कहां है क्वेश्चन कहां आंसर के एन डब्ल्यू के एन डब्ल्यू के एन एनडब्ल्यू बी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा तो रीजनिंग थोड़ा लेवल पढ़ाए आपको रीजनिंग ऐसा पढ़ाएंगे ना कुछ कुछ देखते हैं बहुत ही लॉजिक लगाते हैं बहुत ट्रिक लगाते हैं ट्रिक से पढ़ेंगे तो आपका जो है उतना ट्रिक याद रख पाएंगे नहीं तो आप जीएस आपसे याद नहीं रहता तो आप क्या याद रखेंगे हाँ के डब्ल्यू इस प्रकार से आंसर करिए चलिए बी भी आया है बी आया आंसर बहुत सही बी आंसर आया है चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपसे चलिए इस क्वेश्चन करिएगा हाँ देखिए चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा चलिएगा इसमें देखिएगा एक लव स्टोरी बताएंगे इसे आपको अपोजिट पूरा करवा देंगे देखिए ये याद करने का तरीका इसको आप सीरियस मत लीजिएगा मनोरंजन के रूप में इसको लीजिएगा ठीक है यहां यहां क्या बोला है कि ये जेड आपको सबसे पहले देखना सबसे पहले काम क्या करना है नंबरिंग करना है और आप जानते हैं ऑपोजिट में क्या होता है आपका उसका योग सत्ताइस होता है कहने का अर्थ ये हुआ कि ये का ऑपोजिट जेड होता है कहने का अर्थ इसका नंबर कितना होता है जेड का अगर नंबरिंग देखेंगे छब्बीस होता है इसका नंबर क्या होता है वन अर्थात एड करने पर कितना आएगा सत्ताईस आएगा जब भी आपका एड करने पर सत्तास आ जाए तो आप समझिए कि वो क्या ऑपोजिट है? है उसका समझ पा रहे हैं जैसे अगर हम बोले आपसे कि सी एक्स अर्थात चौबीस होता है और ये कितना तीन होता है एड करने पर कितना होगा सत्ताईस होगा कुछ भी ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए जैसे अगर हम लेते हैं डब्लू डब, तो ले लिए ना नहीं लिए तो डब्ल्यू डी डब्लू ले लिए तो इसका होता है तेईस इसका होता है चार एड करेंगे कितना हो जाएगा सत्ताईस अब देखिए तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि इसको सबसे पहले काम हमको क्या करना होता है कि इसका जो है नंबर लिखना होता है जो भी लेटर है उसका हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर देंगे जैसे ही आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे एक दो तीन कितना हो जाएगा छब्बीस पच्चीस चौबीस अब देखिएगा ऐड कर रहे हैं क्या हो रहा है सत्ताईस इसका मतलब क्या है कि सभी जो है लेटर क्या है एक दूसरे का ऑपोजिट है समझ रहे हैं ना तो आप यहां वही देखिए क्या ये ऑपोजिट डी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा तो आप जानते हैं कि डी का ऑपोजिट क्या होता है अगर आदि नहीं है तो आप क्या करिए इसका लेटर लिख लीजिए चार पाँच छ लेकिन हम आपसे क्या बोलेंगे कि इस प्रकार से आप मत करिए आपको बस याद रखना ही रखना है आपको जो है लेटर का क्या ऑपोजिट होता है उसको भी याद रखना है लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो आप क्या करिए इसे सत्ताईस में घटा लीजिए सत्ताईस में अगर हम घटा लेंगे सत्ताईस में चार घटा लेंगे कितना हो जाएगा तेईस अगर सत्ताईस में पांच घटा लेंगे हो जाएगा बाईस और सत्ताईस में अगर छह घटा लेंगे हो जाएगा इक्कीस तेईस में क्या होता है डब्लू Why, क्या होता है इसका भी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका यू हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा लेकिन हम लोग क्या करेंगे याद कर लेंगे इससे क्या होगा बहुत ही टाइम बचेगा देखिएगा याद कैसे करते हैं भो? एक कहानी सुनिएगा क्या है कि जैसे किसी का जो है ब्रेकअप हो जाता है कोई किसी भी कारण से तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा परेशान होते हैं है कि नहीं थोड़ा परेशान होते हैं और देखिएगा क्या करते हैं तो क्या करते हैं? पहले लिख ही दे रहे हैं कि क्या करते हैं पहले बोलते हैं इस प्रकार से लिख लीजिए ये ठीक है

उसी प्रकार से टी और जेड क्या एक दूसरे का ऑपोजिट है ए और जेड क्या एक दूसरे का ऑपोजिट है एम और इसी प्रकार से तो इसको अब हमको याद करना है तो ये कहानी के थ्रू आप याद कर लीजिए किसी का क्या हो गया कि समझे उसका ब्रेकअप हो गया देखिए तो उस क्या किया बोलता है कि उफ उसके बाद बोलता है बाय लव को अर्थात क्या करता है कि लव को जो है वो बाय कर रहा है तो बोलता है उफ बाय लव सट क्या करेगा सट जो है गैज करेगा अर्थात फाड़ने का काम करेगा थोड़ा टेंशन हो जाता है फाड़ता है शर्ट रूट फाड़ दिया उसके बाद क्या किया मैंने क्या किया मैंने पी के डी डब्ल्यू और जे क्यू को क्या कर दिया एक्सीडेंट कर दिया जब पिएगा तो क्या होगा एक्सीडेंटन होगा तो इस प्रकार से आप कहानी के थ्रू इसको याद कर लीजिए फिर से बोल रहा है उफ बाय लव मिस बाय कर दिया लव को उसके बाद क्या किया शर्ट गया अर्थात शर्ट को फाड़ने चीरने का, का काम किया फिर क्या किया जाके उसके बाद मैंने पी के डी डब्ल्यू और जे क्यू को क्या कर दिया एक्सीडेंट कर दिया उसके बाद थाना में क्या हुआ होगा आप खुद समझ सकते हैं तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए क्या है U का ऑपोजिट का अपोजिट बी अर्थात जैसे B देखें तैसे बाय आना चाहिए दिमाग में जैसे वो देखें L O एल ओ लव आना चाहिए अर्थात एल ओ आना चाहिए तो इस प्रकार से आप क्या करिए याद रखिए याद कर, कर लीजिए सभी लोग याद करिए इसको अभी साथ में याद करिए आ, परेशानी रहता अब नहीं रहेगा आवाज आ रहा है थोड़ा मोबाइल का आवाज कम कर लीजिए मेरा जो वॉल्यूम रहेगा थोड़ा हाई ही रहेगा ठीक है चलेगा तो इस प्रकार से जो है इसको याद कर ही लेना है अभी तो अभी दो चीज आपको करना है काम एक तो सभी लेटर का नंबर याद करना है और सभी लेटर का ऑपोजिट लेटर क्या है उसको भी याद करना है क्लियर है दो चीज आप करके रखिएगा अगर आप सीरियस हैं तो इस बार जो है लेना है तो लेना है ठीक है क्या है चलिएगा इस क्वेश्चन को आंसर बताइएगा जैसे आप देख लें उसको क्या करिए नंबर में कन्वर्ट करिए क्या है क्या है ए के तो हम क्या कर देंगे नीचे लिख दे रहे दो पांच एक ग्यारह दो पांच एक ग्यारह लिख दिए अब देखिए इधर क्या है इसको क्या लिखे हैं पांच नौ छ और सत्रह हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं अर्थात क्यू का नंबर सत्रह एफ का छ होता है का का होता होता है, पांच होता है। हमको याद है इसलिए हम लिख दिए क्या हुआ होगा तीन प्लस चार प्लस पांच प्लस प्लस। तो इधर भी हम क्या कर देंगे? इसको लिखेंगे उन्नीस एक नौ और बारह हम इधर क्या कर देंगे पहले कितना प्लस हुआ था तीन प्लस तो हम भी तीन करेंगे प्लस तीन अगर प्लस करते हैं तो बाईस होता है चार प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा छ प्लस करेंगे नौ छ कितना होता है पंद्रह हो जाएगा और अगर सात हम प्लस कर देते हैं पहले तीन चार पाँच छ तीन चार पाँच पांच में आपका चौदह हो जाएगा पांच और छह में कितना हो जाएगा बारह और छ कितना हो जाता है आपका अठारह अब लिख दीजिए बाईस नंबर में कौन आता है आप जानते हैं बाईस नंबर में भी आता है ये आता है ये हो जाएगा चौदह नंबर में कौन आता है एन आता है अठारह का क्या हो जाता है आर होता है तो इस प्रकार से भी ई एनआर आपका क्या हो जाएगा भीई एनआर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन को जो है हम लोग कुछ ही सेकंड में जो है इसका आंसर निकाल लेंगे किरण की बुक भी होगी सोमवार से उसका स्टार्ट हो जाएगा ठीक है रीजनिंग के लिए बोल रहे हैं क्या एक बार फिर से कमेंट कीजिएगा रूबी देखिएगा अब चलते हैं आगे अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो ये भी पढ़िए काफी है अगर आप एस के लिए भी तैयारी करें तो आपको एक चीज बता देते हैं कि एस का जो रीजनिंग है इससे कहीं हल्का आता है बहुत हल्का क्योंकि हम जो है उसका भी प्रीवियस ईयर बहुत ही किए हैं और बहुत ही उसको पढ़ाए हुए हैं तो आपका जो है उसका जो है क्वेश्चन जो होता है रेलवे से कहीं रीजनिंग का खास करके मैथ का नहीं बोल रहे हैं रीजनिंग का जो है आपका थोड़ा आसान होता है तो आप यहां से भी पढ़िए क्या दिक्कत सीख लेंगे आप पूरा क्या बोला है देखिए एक चीज और बता रहे इस क्वेश्चन को आप पहले करिए देखिए लॉजिक क्या लगाते हैं उसके बाद हम आपको बताएंगे ऑप्शन इसमें नहीं है आंसर कीजिएगा डायरेक्ट सी प्राइम प्रया है।, है अखिलेश का भी आया है सत्यम का भी है सुनील का है बहुत सही इसी तरह कमेंट करके कम से कम आंसर किया करिए गलत हो चाहे सही हो आंसर करिए सी ही था ना हाँ चलिएगा अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन है जैसे आपको क्या बताएं जैसे आप अल्फाबेट देखें अर्थात जैसे भी आप लेटर देख लिए तो आपको क्या करना है? उसको नंबर में कन्वर्ट कर देना अरे यहां आप क्या देखिए जैसे आप इस प्रकार से देखें आपको क्या करना है? नंबर में कन्वर्ट करना लेकिन देखिए नंबर में कन्वर्ट करने से पहले इसको क्या करेंगे हम देखेंगे क्या जो जो यहाँ लेटर है क्या क्या उसका भी सदृशता यही दिखाई यही यही लेटर में दिखाया है क्या करने हुआ फिर से समझिएगा कि जो जो यहाँ लेटर यूज किए हैं उसका भी जो हम लोग एनोलॉजी अर्थात सदृशता जो दिखाए हैं क्या वही वही लेटर है देखिए यहां भी ये है तो यहां भी ये है ये यहां भी एल है ये एल है ये है तो यहां भी ये है पी है तो यही पी है तो जब भी आपको इस प्रकार से देखे तो आप नंबरिंग किस प्रकार से करिएगा देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे पी है ये है ये है, और ये है है कि नहीं हम इसको क्या करेंगे एक दो तीन चार में लिख लेंगे इस प्रकार से नंबर कर लेंगे और यहां क्या हुआ ये ये पी इस प्रकार से क्या होता है ना कि क्वेश्चन लंबा लंबा इसका थोड़ा आता है यहां तो चार लेटर का आया चार लेटर का इसका बहुत कम देता है थोड़ा पांच छह लेटर का देता है तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे इसीलिए जो हम आपको इस बता रहे हैं नहीं तो आप डायरेक्ट इसको जो है जिस प्रकार से किया कर लेंगे लेकिन थोड़ा इसको सीख लीजिए येल कहाँ है तो येल देखिए येल आपका जो तीन में था वो अब आ गया अर्थात पहले तीन आ जाएगा ई वाला कहा है चार था अर्थात चार वाला आ गया फिर ये का नंबर क्या है दो था तो दो आ जाएगा पी अर्थात कितना है वन है तो वन आ गया आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये एक दो तीन चार है तो कर दिया तीन चार, चार दो एक इस प्रकार से कर सकते हैं लेकिन अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप इसी प्रकार से करने की कोशिश करिएगा इस प्रकार से गलती कम होता है तो आप इसको भी लिख लीजिए पी ओ एस एच ओ क्या लिख लेंगे वन टू थ्री फोर यहां क्या किए थे हम लोग थ्री नंबर वाला पहले लिखे थे तो हम क्या करेंगे थ्री नंबर वाला पहले लिख लेंगे उसके बाद आया था चार नंबर वाला चार में क्या है एच है तो एच लिख लेंगे उसके बाद आया दो वाला तो दो में क्या है वो है तो वो लिख लेंगे उसके बाद आया फर्स्ट नंबर वाला तो फर्स्ट नंबर में क्या है पी लिख लें अर्थात क्या हो जाएगा सॉप आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका येश, येश, वो पी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्लियर है तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करिएगा आपका गलत कभी नहीं होगा थोड़ा लंबा लंबा इसका क्वेश्चन आता है इस प्रकार इसीलिए जो है यही मेथड आप लगाइएगा सॉप होगा बहुत सही हिमांशु का आया है प्रीति का भी है रिंकू का भी अजय का और अखिलेश चलेगा एक बार आंसर करिए हिमांशु ठीक है बहुत सही बहुत अच्छा बहुत अच्छा चलेगा अगला क्वेश्चन देखिए यहां से थोड़ा मैथ का जो ल, आपका जो है मैथ का क्वेश्चन आ गया मैथ का क्वेश्चन है कैसे मैथ का एनालॉजी इसको बोलते हैं उन जा रहा है गुड मॉर्निंग राहुल थोड़ा जल्दी आया करिए ना नौ बजे आपका क्लास स्टार्ट होता है नौ बजे एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के हम मानते हैं कुछ लोग जो है खाना बनाते होंगे अगर कोई बाहर में अपना घर से अगर बाहर पढ़ रहे होंगे तो हमको पता है क्योंकि हम उससे गुजरे हैं तो आप ये टाइम होता है थोड़ा खाना उना बनाने का तो आप क्या करिए सुबह के लिए कुछ रख लीजिए या तो चना वना खा लीजिए कोयला ओला कुछ खा लीजिए और इसको छोड़िए मत ठीक है? है दो घंटा दो सौ तैतालीस दिखाए जब भी दे दे संख्या दे और उसका बड़ा संख्या बनाए तो दो ही तरीके से वो बनता होगा या तो उसमें क्या किया होगा कुछ जोड़ा होगा या तो क्या किया होगा उसमें कुछ इंटू किया होगा क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो वो संख्या और छोटा हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो संख्या छोटा हो जाएगा क्या कर समझ, समझ रहे है अगर आपसे देखिए यहां क्या किया तीन को बना दिया दो क्या कर दिया है तीन को कितना दिखाया है दो इसका अर्थ यह हुआ कि या तो यहां एड हुआ होगा या तो कुछ इंटू हुआ होगा क्योंकि अगर सब अर्थात घटाएंगे और डिवाइड करेंगे तो वो हमसे छोटा होगा तीन से भी छोटा हो जाएगा तो यहां को दो ही चीज लॉजिक लगाना है कि क्या ऐड किया होगा तो क्या इनटू किया होगा अगर हम देखते हैं ऐड अगर करेगा ऐड तो करेगा कितना हो जाएगा देखिए ये तो लेकिन कैसा लगाएंगे? पहला क्या, लगाएंगे? क्या, लगाएंगे? क्या होता है बनाने का तरीका क्या होता है तो सबसे पहले आप सोचिए कि कि कितना प्लस किया होगा तो देख रहे दो सौ चालीस प्लस किया इसका मतलब दो सौ पैतालीस ऑप्शन में है? नहीं है. इसका मतलब जोड़ा नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा जोड़ा नहीं होगा कुछ इंटू किया होगा अब देखिए इंटू क्या किया है तो तीन का लिखा है दो सौ तैतालीस अब जानते हैं कि तीन को अगर आप पांच बार इंटू करते हैं तो क्या होता है आपका थ्री के पावर फाइव होता है और थ्री के पावर क्या होता है आपका दो सौ तैतालीस होता है इसका मतलब क्या किया कि इसका पावर थ्री के पावर फाइव मतलब तीन को पांच बार इंटू किया उसी प्रकार से अगर हम पांच को पांच बार इंटू कर दें तो कितना होता है अब जानते हैं पांच को अगर पांच बार इंटू कर देंगे तो एक पच्चीस होता है कितना होता है इकतीस सौ पच्चीस आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे क्या हो जाएगा आपका इकतीस सौ पच्चीस आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर तो दो ही लॉजिक लगाना है तो या तो ऐड हुआ होगा या तो इनटू हुआ होगा क्योंकि बड़ा संख्या बन रहा है तो इसको आप ध्यान में रखिएगा सब कुछ बता रहे हैं कि कैसे हम लोग बनाते हैं ये नहीं कि रीजनिंग जहां पर कहां से सोचने लगे सोचने का भी एक रास्ता होता है उस रास्ते से ही सोचिए नहीं तो पता चलेगा बड़ा बड़ा चीज सोच चुके हैं और छोटा चीज में ही आपका आंसर आ जा रहा है तो सोचिए तो उसका एक रास्ता जो बता रहा वो रास्ते से चलिएगा अब देखिए यहाँ क्या करेंगे या तो कुछ गुना हुआ होगा या तो कुछ क्या हुआ होगा ऐड हुआ होगा सबसे पहले मैं ऐड चेक करते हैं तीस ऐड हुआ हुआ कुछ नहीं है क्या अच्छा चलिए दो दो ऑप्शन दिया ना ठीक है इसका मतलब अगर ग्यारह में तीस करेंगे ये नहीं होगा क्योंकि ग्यारह और तीस होता है इकतालीस अगर इसमें हम तीस ऐड करेंगे नहीं हुआ ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा कि कुछ इंटू हुआ होगा अगर एड में नहीं हुआ तो कुछ गुना हुआ होगा अब देखिए गुना कितना करेंगे अगर पांच को हम सात से गुना करेंगे तो कितना होगा पांच सत्ती पैंतीस इसका मतलब सात से अगर सोचेंगे सात से ग्यारह सतह सतहत्तर तीन सतह इक्कीस सात सतह उनचास और नौ सतह तिरसठ नहीं हुआ इसका अर्थ क्या हुआ कि कुछ और इसमें लॉजिक लगाया क्या लॉजिक लगाया है

नहीं नहीं सात है ना ये तो ऑप्शन में भी नहीं एक सौ पांच चला जाएगा तो हम क्या करेंगे एक साथ ही रखेंगे एक सात ले लेंगे और एक ग्यारह ले लेंगे क्योंकि सात के बाद क्या होता है पांच सात है तो एक सात और ग्यारह अगर हम लेते हैं तो कितना होता है ग्यारह सतह सतहत्तर देखिए ग्यारह सतह सतहत्तर कहीं है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर अर्थात क्या किया है कि पांच उसके आगे जो अभा संख्या उसको लिया है फिर जो है सात लिया और उसके आगे जो अभा संख्या उसको लिया सात और ग्यारह कितना हो जाएगा ग्यारह सतह सतहत्तर अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करे कोई भी एग्जाम हो चाहे रेलवे हो एस हो आपको एक से लेकर के सौ तक अभा संख्या आदि होना चाहिए एक से लेकर के सौ तक कितना अभा संख्या उसको आदि कर लीजिए पच्चीस होता है टोटल कितना होता है पच्चीस अगर पूछ दे एक से पचास तक कितना अभय संख्या है तो पचास होता है क्या क्या होता है देखिए इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग नहीं तो देखिए अगर आप तैयारी करते हैं तो थोड़ा अच्छे से करिए कि एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए नहीं तो जैसे पढ़ते रहेंगे जो है आपका सिलेक्शन इस प्रकार से नहीं होगा एक से सौ तक जो है आपको अभार संख्या मैथ में भी पूछेगा और आपको रीजनिंग में भी पूछेगा अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो वहां आपका अभार संख्या क्वेश्चन आएगा और रेलवे में इस बार समझ लीजिए जितने लोग पढ़ रहे हैं किसी के शिफ्ट में अभार संख्या से क्वेश्चन आपका चाहे मैथ से आए चाहे रीजनिंग से आए आएगा बहुत उसका फेवरेट चैप्टर है रेलवे का समझिएगा अभार संख्या सबसे छोटा होता है दो तीन पांच सात कितना होता है ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस तेईस उनतीस, फिर कितना होता है इकतीस सैतीस फिर इकतालीस तैतालीस सैतालीस और क्या होता है सैतालीस पचास में चलिएगा तिरपन उनसठ इकहत्तर तिहत्तर तिहत्तर सेवनटी नाइन सेवनटी नाइन उसके बाद एट्टी वन एट्टी वन के बाद कितना होता है इसमें तीन होता है नहीं दो ही होता है एट्टी वन एट्टी नाइन फिर 97 कितना हो गया एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस कितना हो गया आपका तेईस ही तो होता होगा पच्चीस नहीं क्योंकि इसमें चार हो गया ठीक है ग्यारह तेरह इसमें भी चार होता है यहां दो ही होता है अर्थात बीस से तीस के बीच में दो होता है यहाँ दो होता है सही एकदम यहां जो है आपका तीन हो गया यहां हो गया और साठ वाला छूट गया साठ में यहां लिख लीजिएगा ठ वाला भी इधर यहाँ लिख लीजिएगा थोड़ा मिस्टेक कर गए साठ वाला अर्थात तो साठ और सत्तर के बीच में दो होता है उसको छोड़ दिए साठ और सत्तर के बीच में क्या होता है आपका एक तिरसठ हो गया और एक आपका क्या होता है सड़सठ होता है उसके बाद यहाँ इकहत्तर से शुरू कीजिए आप पच्चीस हो गया तो पच्चीस टोटल अभा संख्या होता है एक एक चीज याद रखे तैयारी इस प्रकार से कीजिए कि जो है आप सिलेक्शन के लिए मत कीजिए थोड़ा और अच्छा अर्थात अच्छा रैंक के लिए करिए ठीक है इस प्रकार से सोच से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा एक गारंटी है देखिए जो नीरज चोपड़ा थे उसने क्या बोला था कि हम तैयारी ये सोच के किए थे कि ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ देंगे समझ रहे हैं एक सौ जो बीस पच्चीस साल में रिकॉर्ड जो बना उसको तोड़ने के लिए जो है उस वो सोच रख के जो है वो तैयारी किया तो वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत पाए तोड़ तो नहीं पाया लेकिन उससे क्या फायदा तो उसी को हुआ क्योंकि वो और मेहनत कर रहा था और मेहनत कर रहा था जिसके कारण से जो है वो गोल्ड ले आया नहीं तो अगर यह सोच के करता कि हमको गोल्ड लाना है तो हो सके वो ब्रॉन्ज में भी नहीं ला पाता समझ रहे हैं ना तो थोड़ा सोच सोच अच्छा रखिए रखिए स्टैंडर्ड उससे क्या होता है मेरा दिमाग भी थोड़ा स्टैंडर्ड काम करता है ये दिमाग जो है ना हम बहुत इसको जो है बेकूफ जितना बनाएंगे उतना ही आपका अच्छा है तो इसको थोड़ा दिमाग को बेकूफ बना के रखना है आपको देखिएगा इसको इसका आंसर बताइएगा कितना होगा इसका आंसर बताइएगा और सभी लोग शेयर के साथ साथ लाइक और अपने दोस्त संग साथ यार और जो भी हैं रिलेशन आप जानते होंगे उसके साथ भी आप जरूर शेयर कीजिएगा चलिएगा क्या है तिरसठ होगा एक आसी नहीं होगा एक आसी लिख दिए क्या एक आसी नहीं होगा सही बात तीन से कट जा रहा है तो क्या होगा इक्सी नहीं होगा क्योंकि ये तीन से डिवाइड हो रहा है बहुत सही देखिएगा कौन कमेंट किए हैं उसको बहुत धन्यवाद करते हैं राजेश तिरसठी है तिरसठ और एकासी लिख दिया ना अच्छा देखिए बहुत सही बहुत सही हम गलती किए वैसे अगर हम एग्जाम में करते तो गलती नहीं करते लेकिन आपको बताने के चक्कर में जो है हम गलती कर दिए इसका इकसठ हो जाएगा वहां और यहाँ लिख लीजिए इक्यासी है ना तो इक्यासी का तिरासी नहीं होता है इसका आप कितना होता है इक्यासी नहीं होगा बिरासी नहीं होगा तिरासी होगा तिरासी लिख लीजिएगा ठीक है बहुत सही जो भी बताए लव यू भाई बहुत सही इतना हाँ दीपक जी और है कौन कौन बबलू राजेश राणा आप आप सभी को जो अखिलेश विष्णु आप सभी को जो है बहुत धन्यवाद कि आप बताएं आप इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं बहुत खुशी बहुत खुशी की बात है तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा आपका मैथ में भी नहीं क्वेश्चन छूटेगा कभी कभार इस तरह पूछ देता कि बताइए 40 से 70 के बीच में सभी प्राइम तो रहेगा चालीस से अर्थात यहां से लेकर के सत्तर सत्तर कहा तो आप अगर नहीं जानते हैं तो आप दो मिनट तीन मिनट लग जाएगा फिर भी नहीं बनेगा और बनेगा तो जरूरी है आपका सही ही होगा गलत होने का चांस इसमें बहुत ज्यादा रहता है चलिएगा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए क्या बोला है चलिए सॉल्व करिएगा ठीक है ठीक है, चेक कर लिए राहुल नहीं समझ आया देखिएगा मेरे भाई अमित अभाज्य संख्या क्या होता है ना जो केवल और केवल जिससे दो संख्या से केवल भाग लगे अर्थात एक खुद से भाग लगता है और केवल एक से अगर आपको हम बोलेंगे बताइए आप इकतीस को बताइए इकसठ को आप भाग करिए क्या एकसठ को अगर आप भाग करते हैं तो किससे भाग लगेगा केवल एक से लगेगा और केवल एकसठ से लगेगा समझ रहे तो वही संख्या आपका क्या होता है अभा संख्या होता है अगर आपको हम बोले कि बताइए आप एट्टी नाइन एट्टी नाइन को भाग करिए तो किससे भाग करेंगे अर्थात दो ही संख्या से भाग लगेगा एक एक से लगेगा एक एट्टी नाइन से अर्थात इसका केवल और केवल दो ही फैक्टर होता है केवल और केवल दो ही गुणन होता है दोनों आता है हमको इंग्लिश हिंदी दोनों आता है और इसके पीछे कारण यह है कि हम जो है इलेवन ट्वेल्व सीबीएसई से किए हैं और वन से लेकर के टेन तक आप पढ़े फिर हिंदी मीडियम फिर बी जब किए थे उसमें हम फिर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ही था अर्थात एगारह से जो मेरा ग्रेजुएशन जो कंप्लीट हुआ पूरा इंग्लिश था और उधर वन से लेकर के टेन मेरा हिंदी था तो इसलिए दोनों हमको भाषा आता है प्रत्येक शब्द का जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है चलिएगा ये क्या है ये क्या है अगर ग्यारह को हम लिखे बारह दस तो बताइएगा यहां क्या होगा जो जिस लॉजिक से हम एगारह को बारह सो दस लिखे वही लॉजिक से जो है आपको ये लिखना है चार ऑप्शन दिया है, बताइएगा कौन होगा आंसर करिए सभी लोग आंसर करिएगा जियो से चलिएगा डी बता रहे हैं। डी हो गया का। डी तो चलिए आंसर कीजिए डी नहीं होगा अगर इस क्वेश्चन का अगर डी बता रहे हैं तो गलत है अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं सर इसके वहां का क्वेश्चन रह गया सर इसके वहां का क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन कुछ छोटा है क्या सेम ही क्वेश्चन है तो टेंशन मत लीजिए यह क्वेश्चन रह गया इसमें क्या है मेरे भाई डी बता रहे हैं अगर डी बता रहे थे ना इसका डी बता रहे हैं क्या क्या किया होगा जीरो पॉइंट सोलह एक सेकेंड इसको हम देख लेते हैं जीरो पॉइंट सोलह अगर जीरो सोलह को हम लोग क्या लिखे हैं जीरो पॉइंट जीरो जीरो अर्थात जीरो अर्थात दो अंक के बाद मेरा दशमलव था लेकिन उसको हम चार अंक के बाद दशमलव कर दिए इसका मतलब क्या किए होंगे भाग किए होंगे क्योंकि छोटा बना है तो दो ही चीज किए होंगे या तो घटाए होंगे कुछ तो डिवाइड किए होंगे तो घटाने से ये नहीं आया कैसे आया होगा जब आप जीरो पॉइंट सोलह को आप सौ से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा यही आ जाएगा क्योंकि छोटा है ये उसी प्रकार से क्या कर देंगे वन पॉइंट जीरो टू को हम लोग सौ से भाग कर देंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा दो अंक के बाद ना आकर चार अंक के बाद मेरा दसमलव आएगा अर्थात वन क्या हो जाएगा सॉरी 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 गलती कर दिए हैं

तो लिखा कैसे होगा दो ही तरीके से लिखा होगा या क्या किया होगा उसने कुछ जोड़ा होगा या तो उसने क्या किया होगा कुछ या तो क्या किया होगा कुछ इंटू किया होगा तो अगर आप देखते हैं जोड़ने पे तो देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा जोड़ रहा है अर्थात देख रहे हैं कि एगारह सो निन्नवे एगारह सो निन्नवे जोड़ा है तो क्या एगारह सो निन्नवे किसमें जोड़ेंगे आएगा ये तो कहां देख रहे हैं एक हजार से सब नीचे है ग्यारह सो निन्नवे सब नीचे है इसका मतलब क्या किया होगा ये जोड़ा ना के कुछ इंटू किया होगा अब देखते है इंटू करेंगे तो हैं रास्ता से थोड़ा उसके बाद जैसे आप प्रैक्टिस होंगे तो आपको डायरेक्ट आ गया होगा कि एगारह का क्यूब करके एगारह का स्क्वायर घटा दिए हमको भी पता है लेकिन जो है इसको सबसे पहले चेक कैसे करेंगे ऐड करके देखेंगे ऐड होता नहीं अब देखेंगे क्या इंटू हो रहा है तो इंटू देखिए कितना बार हो रहा है ग्यारह अर्थात एक सौ दस से इंटू किया अगर आप इसको 110 से इंटू करेंगे नहीं होगा अब इसमें लॉजिक क्या लगाया है लॉजिक इसमें क्या लगाया अगर आप अगर आप स्क्वायर और क्यूब अगर अच्छे से याद किए होंगे तो जो है एक बार में आपका क्लिक कर गया होगा कि 11 का स्क्वायर होता है 1331 11 सो, सो का क्यूब सॉरी 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और उसमें से क्या कर दिया है ये एगारह का स्क्वायर घटा दिया होगा अर्थात एगारह को हम लोग क्या लिखे हैं एगारह का क्यूब माइनस एगारह का स्क्वायर क्या होता है आपका बारह सो इसलिए दस हो गया क्योंकि पता है कि तेरह सो दस में अगर आप तेरह सो इकतीस में अगर आप एक सौ इक्कीस घटाएंगे कितना होगा आपका बारह सो दस ही बचेगा उसी प्रकार से हम आगे भी करेंगे अर्थात नौ का स्क्वायर कितना होता है सात सौ उन्तीस इसमें हमको कितना घटाना था इक्यासी अर्थात घटाया कुछ भी नहीं है तो ये नहीं होगा छह का स्क्वायर होता है दो सौ सोलह इसमें आपको छत्तीस घटाना था घटाया नहीं है इसमें से हो आठ आठ, आठ इसमें आठी, आठी, जाएगा आठ का स्क्वायर होता है का स्क्वायर पांच सौ बारह अगर इसमें आठ बचेगा आठ बच गया अगर आप देखते हैं इधर दस में छ चला जाएगा कितना बचेगा चार बचेगा इधर चार चार सौ अड़तालीस है तो बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा तो आप चेक कीजिएगा उस प्रकार से अगर आपको प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट एक बार में क्लिक कर जाएगा नहीं यही होगा लेकिन जो नहीं आ रहा है तो उसको आप एक रास्ते से ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा ठीक है तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए ये क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है देखने में बहुत ही छोटू मोटो लग रहा है लेकिन ये थोड़ा दिमाग घिलाएगा चलिएगा रिंकू का आया चार सौ अड़तालीस बहुत सारे रिंकू रूबी राकेश अखिलेश और कौन कौन है राजेश साहब बहुत लोग बहुत लोग आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रकार से अगर आप आंसर करेंगे तो और एनर्जी के साथ हम पढ़ाएंगे चलिएगा क्वेश्चन बोला कि बत्तीस को तेरह लिख दिया या तो क्या किया होगा अगर ये देख रहा है कि कम हुआ कम हुआ था सबसे पहले तो यही सोचेंगे कि कुछ घटाया होगा क्योंकि डिवाइड करने से क्या डिवाइड करेंगे देख रहे हैं किसी से भी डिवाइड करने दो आ, तीन से करेंगे तो ये नहीं होगा अगर दो से डिवाइड कर... <coughs> अगर दो से डिवाइड करते हैं सोलह होता है तीन से डिवाइड तो होगा ही नहीं चार से डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा आठ बार में हो जाएगा तो डिवाइड नहीं किया होगा कुछ जो है एड हमको लगता है किया होगा हमको नहीं पता हम एक स्टूडेंट है हम बना रहे हैं शुरुआत किए हैं तो आपको रास्ता बता रहे तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे कि अगर डिवाइड नहीं किया होगा तो कुछ क्या किया होगा माइनस किया होगा अगर बत्तीस में हम तेरह करते हैं माइनस तो सबसे पहले हम यही करके देखेंगे कितना होगा बारह में तीन चला गया, गया कितना बचेगा 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 आपका 8 बचेंगा, 9 बचेंगा, और इतना उन्नीस अर्थात क्या किया है कि उन्नीस घटाया अब देखते हैं किसी में अगर उन्नीस आप घटाएंगे तो आपका नहीं आएगा पहला आप बता रहे हैं क्या होगा उन्नीस नहीं आएगा देखिए अगर आप इसमें घटाते हैं तो ये आपका बढ़ेगा नहीं कि घटेगा और क्या होगा घटेगा ये आपका घट रहा है तो इसमें देखना केवल घटा के देखना है ये आपका बढ़ रहा है इसलिए इसमें तो हमको चेक ही नहीं करना है क्योंकि घटना चाहिए ना ये आपका क्या है बढ़ जा रहा है अगर आप इसमें देखिएगा उन्नीस क्या घट रहा है पंद्रह और तीन अट्ठारह घट रहा है तो ये भी नहीं होगा ये क्या आपका घट रहा है नहीं घट रहा है क्योंकि चौदह और एक पंद्रह घट रहा है अब देखिएगा कि इसको फिर क्या लॉजिक लगाया होगा तो आप यहां देखिए ध्यान से आप देखिएगा पहले तो चेक वही करेंगे पहले चेक वही करेंगे क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं अगर आप रीजनिंग का तो नहीं तो अगर आप प्रैक्टिस किए हैं पहले तो आपका डायरेक्ट दिमाग में आ जाना चाहिए अब देखिएगा कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं क्या किया होगा इसने इस प्रकार से आप सोचेंगे थोड़ा स्टैंडर्ड आप सोच जो है आपको यहां से लगाना पड़ेगा थ्री टू है इसको क्या लिख दिया तेरह तो और क्या लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं अगर हम तीन का स्क्वायर कर दें और अगर हम दो का स्क्वायर कर दें और दोनों को जोड़ दें तीन का स्क्वायर नौ दो का स्क्वायर चार तो तीन का स्क्वायर नौ दो का स्क्वायर चार कितने तेरह कितना हुआ तेरह हुआ उसी प्रकार से पांच का स्क्वायर पच्चीस और एक छब्बीस नहीं होगा ये नहीं होगा सात का स्क्वायर सात का स्क्वायर कितना होता है उनचास और एक पचास नहीं होगा आठ का स्क्वायर चौसठ और तीन का स्क्वायर नौ चौसठ ये भी नहीं होगा चार का स्क्वायर सोलह और सात का स्क्वायर उनचास कितना हो गया आपका पैंसठ यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लियर है तो चलिएगा संतालीस है अरविंद का आया है सिद्धार्थ का है विष्णु का है चलिएगा और कौन है राकेश है रूबी का आंसर आ चुका है नहीं रूबी का पहले का ही आंसर है चार सौ अड़तालीस इसका आप लोग आंसर नहीं किए हैं कुछ लोग ही आंसर कर पाए हैं अभी सोनू का भी आंसर आया है चलिए गोरख का भी डी है चलिए बहुत सही तो इस प्रकार से आंसर करिए जाइए आप लोग चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा आंसर कीजिएगा कि सैतीस को हम पैंसठ दो ही तरीके से लिख सकते हैं तो जोड़े होंगे या तो क्योंकि आपका क्या हो रहा है बढ़ रहा है या तो क्या किए होंगे कुछ इंटू किए देख रहे हैं कि सैंतीस मना क्या है सैंतीस क्या है आपका एक प्राइम नंबर तो कुछ भी इंटू करें किससे से इंटू करेंगे देख रहे हैं कि आप दो से भी इंटू करेंगे तो बढ़ जाएगा एक से इंटू करेंगे तो घट जाएगा इंटू भी नहीं हुआ होगा तो सोचिए और इसको करने की कोशिश करिए अगर इंटू हुआ है तो क्या एग्जैक्ट तो इंटू नहीं होगा अगर इंटू भी होगा तो उसमें कुछ प्लस माइनस हुआ होगा जरूर सेवेंटी नाइन आ गया देखते हैं कैसे सेवेंटी नाइन आया होगा अगर आप इसको चेक करेंगे क्या हुआ होगा देखिएगा इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे है? देखते हैं जोड़ते हैं पंद्रह और तेरह कितना होता है आपका पंद्रह और तेरह हो जाएगा पंद्रह तेरह कितना होता है आपका अट्ठाइस अर्थात देखते हैं कि अट्ठाइस कहीं एड नहीं ना हुआ अगर सैंतीस में अगर हम अट्ठाईस जोड़ते हैं तो पैंसठ आता है तो क्या एकवन में अगर हम एकावन में अट्ठाईस जोड़ते हैं तो क्या ऑप्शन ये है नौ हो जाएगा नाइन कहीं ऑप्शन है अगर सेवेंटी नाइन कहीं ऑप्शन है तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा नहीं होता तो हम लोग दूसरा लॉजिक लगाते हैं तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा क्लियर है चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं चलिए इसका आंसर कीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए चले जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर बताइएगा क्या होगा अगर एक को तीन लिखे हैं तो इसका मतलब कुछ गुना किया होगा या तो कुछ ऐड किया होगा सबसे पहले हम ऐड चेक करेंगे क्या चेक करेंगे ऐड चेक करेंगे करिए और इसका आंसर बताइएगा देखिएगा अगर आप यहां देखते हैं अगर यहाँ आप देख रहे हैं कि कितना है 158 है तो अगर हम सबसे पहले ऐड करते हैं तो तीन हो गया अर्थात आप देखिए तीन सौ तो क्या है तीन में अगर एक सौ अगर हम घटा देते हैं तो उतना ही ऐड करेंगे इसका मतलब कितना हो गया अगर चौदह में आठ जाएगा 6, सात में 5 जाएगा तीन और आपका कितना होगा दो सौ छप्पन अर्थात दो सौ छत्तीस जो है हम ऐड करेंगे अगर आप इसमें दो सौ छत्तीस करते हैं तो क्या 236 सौ करेंगे 140 और 236 कितना हो जाएगा 673 सात तीन तीन सौ छिहत्तर कहीं ऑप्शन में है नहीं है तो इस सौ है तीन क्या है 24, दो सौ छियालीस है अगर तीन होता तो मेरा वही आंसर हो जाता लेकिन नहीं है अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे आप देखिएगा इन भी करने से आपका एग्जैक्ट नहीं हो रहा है नहीं इन भी कर लेते हैं अब हम लोग दूसरा लॉजिक लगाएंगे कुछ अब सोचिए थोड़ा इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचिए और आंसर करिए तीन सौ अड़तालीस बता रहे चलिएगा देखते हैं कैसे होगा अगर हम दूसरा लॉजिक क्या लगाते हैं कि देखते हैं कितना बार इंटू हो रहा है अगर एक सौ अंठावन को हम दो बार इंटू करते हैं तो हो जाएगा तीन सौ सोलह कितना हो जाएगा आपका तीन सौ सोलह अगर तीन सो सोलह हो गया था डबल करने पर कितना होगा तीन सौ सोलह अगर तीन सौ सोलह हो गया और कितना है तीन सौ चौरासी है तीन सौ चौरासी में अगर तीन सौ सोलह हम घटा देते हैं इसका मतलब अगर इतना ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका चार और चार आठ साथ में एक छह अगर हम अड़सठ एड कर देते हैं तो इतना बराबर हो जा रहा है तीन सौ चौरासी हो जा रहा है कि नहीं देखिए ये लॉजिक लगता है कि नहीं देख रहे हैं तीन सौ सोलह है तीन सौ सोलह क्या किए अर्थात एक सौ अंठावन को डबल करके लिखे हैं एक सौ अंठावन इसको कैसे लिखा है वन फिफ्टी एट वन फिफ्टी एट इंटू टू प्लस अड़सठ करके लिखे है ये कितना हो गया आपका तीन सौ चौरासी हो जाएगा इसका मतलब अगर इसको भी हम डबल करके अगर अड़सठ जोड़ देते तो क्या कोई ऑप्शन मिलता है चेक करिए एक सौ चालीस इंटू टू प्लस अड़सठ करिएसौ चालीस इंटू टू करेंगे दो सौ अस्सी प्लस अड़सठ क्या हो जाएगा आपका आठ हो जाएगा इधर आठ और छह कितना होता है चार होता है एक कैरी है अर्थात दो और एक कितना होगा तीन तीन सौ अड़तालीस आपका आ गया तो ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा क्लियर है तो देखिए कुछ लोग आंसर भी किए हैं बहुत सही जैसे राजेश का आंसर आया है लेकिन राजेश का आंसर तो आया है लेकिन बी आंसर आया है तो बी नहीं होगा मेरे भाई तीन सौ अड़तालीस अरविंद बहुस है अरविंद का आया है और किसी का आया है डी जिसका होगा आंसर हाँ हिमांशु का डी आया हंस हाँ, रहे हिमांशु चलिएगा चलिए अमन जी का भी सही है डी है राकेश मंडल का भी सही है चलिएगा राम लखन बहुत सही चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगर 1990 को तेरह लिखे हैं तो वही लॉजिक लगा के जो है इसको हम मतलब कितना संख्या का अर्थात कितना कौन संख्या होगा जो हम 2017 लिखेंगे बताइएगा तो, तो या तो ये क्या किया होगा माइनस किया होगा डिवाइड तो नहीं करेगा क्योंकि डिवाइड देख रहे लग भी नहीं रहा या कुछ जो है माइनस किया होगा तो देखिए कितना माइनस किया होगा तो देख रहे हैं कि अगर 1990 है और उसको अगर 1394 लिखा है इसका मतलब क्या करेंगे हम उसी को घटा देंगे गणित अर्थ ये हुआ समझिएगा कि अगर हम मान लेते हैं कि 1900 1990 है 1990 में वो रहे क्या माइनस कर दें कि 1394 हो जाएगा तो हम इसको इस प्रकार से लिखें चाहे हम इक्वल के अगर इधर ले आए तो 1394 में ही अगर हम घटा देंगे 1300 1990 में ही अगर हम तेरह सौ चौरानवे घटा देंगे तो वो एक्स का मान आ जाएगा आ जाएगा कि नहीं समझ पा रहे हैं तो वही हम डायरेक्ट कर देंगे उन्नीस सौ नब्बे में ही अगर हम तेरह सौ चौरानवे घटा देंगे तो जो संख्या घटाना था वो आपका आंसर आ जाएगा तो क्या कर देंगे हम लोग तेरह सौ चौरानवे इसमें घटा देंगे घटाइए छ अठारह में नौ गया नौ आठ में तीन गया पांच पांच सौ छियानबे अर्थात घटाना पड़ रहा है तो क्या इधर घटाने से कहीं आ रहा है अगर आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा नहीं आएगा तो दूसरा कुछ सोचेंगे क्या देखिएगा इधर हम देख रहे हैं क्या अर्थात इससे इसको लाना है अर्थात यहां जो संख्या होगा वो क्या होगा इसमें से इतना ऐड हुआ होगा क्या हुआ होगा देखिए क्या बोल रहे कि इसमें से घटा रहा है अर्थात यहाँ जो संख्या मानते हैं में क्या एड करेंगे पांच सौ छियानवे पांच सौ छियानवे इक्वल टू कितना हो जा रहा है आपका सॉरी तो घटाएंगे ना यार दिमाग है देखो ये है क्या माइनस होगा र्थात x माइनस अगर इतना करेंगे तो कितना आना चाहिए दो सौ दो हजार सत्रह आना चाहिए तो x का मान कितना हो जाएगा दो हजार सत्रह प्लस पांच सौ आपका यूनिट डिजिट आया है नहीं आएगा क्या कहीं गलती कर दिए दस में चार ठीक है अगर आ तो जाएगा छ और सात कितना होता है तेरह तेरह हो गया ना नौ एक दस दस और तीन 2017 में अगर हम लोग पांच सौ छियानबे कर देंगे तो कितना होगा तेरह हो गया नौ और एक दस दस और एक ग्यारह छ और छब्बीस सौ तेरह छब्बीस सौ तेरह आपका आएगा छब्बीस सौ एक है यहाँ ठीक है छब्बीस से तोरा आपका क्या हो जाएगा आंसर छब्बीस सौ तेरह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से हम लोग सोचेंगे क्योंकि इसमें आप डिवाइड हम लोग नहीं लगेंगे क्योंकि डिवाइड करने से लग रहा है कि आ जाएगा क्योंकि उसी के आसपास है एक से भी अगर डिवाइड करेंगे तो उन्नीस सौ नब्बे वो आपका फ्रैक्शन में चला जाएगा तो वो जो है आपको वहां दिमाग उतना लगाना नहीं है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा तो अर्थात समझना कि इसमें जो है कुछ माइनस हुआ होगा तो कितना माइनस हुआ पांच सौ छियानबे इसमें से जो है अगर पांच सौ छियानबे घटाएंगे तो दो हजार सत्रह आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर छब्बीस सौ तेरह छब्बीस सौ तेरह आपका राइट आंसर आ जाएगा बहुत सही बहुत सही राम लखन हिमांशु सत्यम सत्या बी ए फोर एम ये कौन ओथी का नाम है भाई ये तो इंडियन नहीं लग रहे हैं, कोई लग रहे हैं। थांग, थांग, क्या, क्या नाम होता है उसी प्रकार से कुछ नाम लग रहा है चलेगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा चलिए आंसर कीजिए सभी लोग क्या है कि अगर पंद्रह को पैसठ लिखे हैं तो चौबीस को क्या लिखेंगे सबसे पहले क्या सोचेंगे हम कि या तो कुछ प्लस हुआ होगा या तो कुछ इनटू हुआ होगा अगर प्लस हुआ होगा तो कितना हुआ पंद्रह को लिखे पैंसठ इसका मतलब कितना हुआ पचास तो अगर इसमें पचास जोड़ेंगे चौहत्तर कहीं चौहत्तर नहीं तो आप प्लस वाला छोड़ दीजिए अब इनटू पर चलते हैं इंटू भी करेंगे तो नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे बताइएगा अगर इस प्रकार से कुछ लोग इस प्रकार से सोच रहे हैं पंद्रह चौके साठ पंद्रह चौके साठ और क्या कर दिया होगा कि उसमें अगर पांच ऐड कर देंगे कुछ लोग सोच रहे होंगे हम भी सोचते हैं इसी प्रकार से पंद्रह चौका साठ प्लस पांच पैंसठ तो चौबीस चौक छियानवे प्लस पांच एक सौ एक तो एक सौ एक कहीं ऑप्शन में है नहीं है तो यह भी नहीं होगा ये भी मेरा नहीं होगा अर्थात कुछ और सोचना पड़ेगा सोचिएगा क्या होगा क्या होगा इसका आंसर बताइएगा कहां, कहां? क्या हो सकता है इसमें अगर हम पंद्रह पचे पचहत्तर लिख दें और दस घटा दें चौबीस पचे एक सौ बीस और दस एक सौ दस भी ऑप्शन में नहीं है चलिएगा इसका आंसर बताइएगा थोड़ा देख रहे हैं हम अगर कर दें सात पचे पैंतीस हो गया बताइएगा बताइएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है चलिए इसका आंसर कीजिए कितना होगा बताइएगा थोड़ा हम भी सोचते हैं तब तक पंद्रह है साठ है और अगर बन जाएगा तो थोड़ा कमेंट करिएगा क्योंकि मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है अभी तक एक चीज हम कर सकते हैं पंद्रह है अच्छा एक चीज आप करिए देखिएगा ये पंद्रह है ये पैंसठ है ये चौबीस है तो एक चीज क्या देख रहे हैं कि सभी स्क्वायर के आसपास है अर्थात देखिए ये क्या है चार का स्क्वायर है चार का स्क्वायर में क्या कर दिया होगा एक अगर माइनस कर दें तो कितना हो जाता है आपका पंद्रह आप उसी प्रकार से ये आठ का स्क्वायर कितना चौसठ अर्थात इसका चार से डबल कर दिए क्या किए हैं अगर देखते हैं अगर लगता है तो आठ का स्क्वायर कितना होता है चौसठ चौसठ प्लस एक कर देंगे कितना हो जाएगा पैंसठ उसी प्रकार से ये चौबीस है अर्थात आसपास क्या इतना है पांच का स्क्वायर माइनस एक चले लॉजिक तो लगभग लग रहा है यहां पर क्या कर देंगे पांच का डबल कर देंगे कितना होता है दस अर्थात दस का स्क्वायर माइनस प्लस एक करेंगे एक सौ एक ही आ रहा है एक सौ एक ही आ रहा है तो क्या करेंगे अच्छा अच्छा एक काम और कर सकते हैं एक तरह से इस तरह भी सोच सकते हैं कि यहाँ तो चार का स्क्वायर किया चलिएगा देखिएगा कुछ और सोचते हैं चार का स्क्वायर किए माइनस एक किए सोलह गया अब क्या करेंगे आठ का स्क्वायर करेंगे उसका डबल आठ का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हम्म वही तो कर रहे थे कहा जा रहा है पांच का स्क्वायर चार का क्यूब करिए क्यूब करिए देखिएगा एक और सोच रहे हैं कि चार का क्यूब माइनस प्लस वन किया होगा तो आया होगा पैसा उसी प्रकार से हाँ इस बार आएगा कहां जाएगा पांच का स्क्वायर माइनस एक करेगा चौबीस और उसी तरह से पांच का क्यूब करेंगे प्लस ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा बहुत सही कितने लोग का आंसर आ चुका है ओ हो हो प्रवेश का दिल भी आ चुका है 126 बहुत सही प्रवेश विजय विष्णु गजब गजब कमाल कर गए देखिए हमसे भी पहले आप सोच लें कहीं, कहीं कहीं हो जाता है कभी कभार क्या होता है ना कि दिमाग में नहीं आता किसी के दिमाग में आ जाता है तो थोड़ा नॉर्मल हो जाए दिमाग को बोलिए थोड़ा शांत हो जाओ और थोड़ा अच्छे से सोचो अगर नहीं बनेगा तो उसको छोड़ दीजिए बाद में उसको देख लेंगे कभी कभार होता है हर किसी के साथ होगा कभी कभार आप देखिएगा एड में भी आप गलती कर देते हैं तो मेरे साथ भी वही हुआ था कोई बात नहीं चलिएगा इसका आंसर करिएगा इसका आंसर करिए और इसका आंसर बताइएगा दो को अगर हम बारह लिखे हैं तो तीन को कितना लिखेंगे आंसर करिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सबसे पहले तो अब एड सोचेंगे दस जोड़ा होगा तेरह है ही नहीं अब क्या किया होगा बताइएगा कि क्या किया है इसका आंसर बताइए जल्दी बताइएगा जल्दी जल्दी आंसर करिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम किए हम लोग अभी और क्वेश्चन करना है हम लोग को यहां क्या किया होगा यहां क्या किया होगा कि दो का क्यूब कर दिया होगा और दो का स्क्वायर से जोड़ दिया होगा देखिएगा आपको क्या है कि सभी का क्यूब और स्क्वायर ऐसा हो जाए और देखिए क्या उसका जो है आसपास जा रहा है क्या अर्थात कुछ प्लस माइनस हुआ है क्या देखिए तीन ही लॉजिक लगता है या तो वो कुछ स्क्वायर में ऐड किया होगा स्क्वायर में कुछ ऐड किया होगा या तो स्क्वायर में कुछ माइनस किया होगा उसी प्रकार से क्यूब में कुछ ऐड किया होगा कुछ माइनस किया होगा या तो क्या किया होगा वो क्यूब के स्क्वायर में से जो है वो स्क्वायर के स्क्वायर घटाया होगा तीन ही लॉजिक यहां से लगता है तीनों लॉजिक ध्यान में रखना है कि कुछ जैसे अभी आप देखें ना कि अगर हम एगारह का स्क्वायर लिखे थे तेरह सौ इक्कीस माइनस क्या कर दिया था एगारह का स्क्वायर एक सौ इक्कीस घटा दिया था तो ये भी लॉजिक बहुत ज्यादा फेमस है तो ये तीनों को ध्यान रखना है कि कुछ जोड़ा होगा उस स्क्वायर में या तो कुछ घटाया होगा या तो कुछ यू में स्क्वायर किया होगा माइनस या तो प्लस कुछ भी प्लस माइनस ही करेगा अब देखिए दो है को बारह लिखे हैं ये देखते हैं दस दस हुआ नहीं हुआ ये लॉजिक नहीं लगेगा अब क्या करते हैं कुछ कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं छह से इंटू करेंगे तो तीन छः अठारह वो भी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर इस प्रकार से देखते हैं कि दो का क्यूब प्लस दो का स्क्वायर कितना होता है आपका बारह तो उसी वही तरह कर देंगे तीन का क्यूब प्लस तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा सत्ताईस और नौ सैतालीस माइनस एक छियालीस आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सत्ताईस और नौ होता है छत्तीस सैतीस सैतीस और एक कितना होगा आपका छत्तीस तो छत्तीस आपका कितना हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा सही है आगे बढ़े सभी को समझ में आ रहा है चलिएगा अगले आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है जल्दी जल्दी आंसर कर बहुत सही मनीष क्या है चौधरी बहुत सही देखिएगा इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन वाला चल जाओ अपना जगह पे अब देखिए बारह को अगर छियालीस लिखे तो अठारह को क्या लिखेंगे कुछ कुछ लोग सोच रहे होंगे बर्चो अड़तालीस माइनस दो तो अठारह अठारह छत्तीस अठत्तीस चौवन माने दो बावन है ही नहीं अब सोचिए क्या होगा अब इसका सोच के थोड़ा बताइए क्या किया होगा कभी इस प्रकार से किया होगा पर अड़तालीस बताइएगा चलिएगा आंसर कीजिएगा चलिए आप लोग आंसर करिए जल्दी फटाफट इसको बोलते हैं ए, बता दिए ये क्या बारह चौक अड़तालीस माने दो अठारह कितना अठारह चौक बहत्तर माने दो ऑप्शन तो सत्तर है तो यही हो जाएगा देखिए हम बता दिए अर्थात जो सोचते हैं कोई भी अगर सोचे तो इसी तरह सोचेगा कि ये क्या किया होगा फर्स्ट में यही सोचेगा कि या तो कुछ जोड़ा होगा अगर जोड़ा होगा तो कितना जोड़ा होगा देखिएगा कितना जोड़ा होगा चार और एक अर्थात चौंतीस जोड़ा अगर इसमें चौतीस जोड़ते हैं अठारह में अगर हम चौंतीस जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है दो चार और एक बावन बावन आपका आंसर इसका मतलब जोड़ा नहीं होगा कुछ क्या किया होगा कुछ गुना किया होगा तो देख रहे हैं गुना एग्जैक्ट नहीं हो रहा है अर्थात मान लेते हैं कि कुछ गुना करके कुछ घटाया होगा ये होता है कुछ गुना करके क्या किया होगा कुछ घटाया होगा तो देख रहे हैं कि बर्चुक अड़तालीस बढ़ जा रहा है दो तो दो क्या करेगा माइनस कर दिया अठारह चौक बहत्तर माइनस दो कितना होगा सत्तर हो गया तो इसका आंसर जो है यही आ जाएगा तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सभी लोग बताइए क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है ना चलिए बड़ा ही रखते हैं छोटा करने से कोई फायदा नहीं ये आसान क्वेश्चन है बताइएगा अगर इस क्वेश्चन को जो बता दिए समझिए उसका दिमाग जो है चलना है, मतलब अच्छा सही चल रहा है सात को अगर हम चौसठ से दिखाए हैं तो वही लॉजिक लगा के आठ को हम क्या दिखा सकते हैं एक तो आप सोचते हैं सबसे पहले प्लस वाला लॉजिक लेकिन प्लस वाला सबसे पहले चेक करना अगर प्लस करते हैं तो प्लस करेंगे तो कितना होगा संतावन अर्थात तो अगर संतावन करेंगे पैंसठ पैंसठ कहीं नहीं है अब हम लोग चलते हैं दूसरे लॉजिक पे तावन से पचहत्तर होगा अगर संतावन में अगर आठ आठ जोड़ते हैं तो पैंसठ होगा सॉरी चलिएगा अब क्या सोच सकते हैं कुछ इंटू तो हो, गर, हो ही नहीं रहा है हो रहा है हो रहा है इंटू हो रहा है क्या हो रहा है यहां देखिएगा सात को अगर हम इस प्रकार से करें कि सात इंटू आठ सत कितना होता है छप्पन सतनवे कितना होता है तिरसठ तिरसठ प्लस एक कर दें तो आपका चौसठ हो जा रहा है अर्थात दो बढ़ाया होगा तो हम क्या करेंगे आठ और दो कितना होता है दस दस प्लस एक करेंगे से बन जाएगा आठ इंटू अगर हम दस कर दें क्योंकि यहाँ देखिए दो का गैप लिया है सात से दो किया है सात से दो ऐड करेंगे नौ हुआ आठ में अगर दो ऐड करेंगे दस हुआ आठ इंटू दस होता है अस्सी एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा तो एक आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले देखेंगे क्या कुछ ऐड हुआ है सेकेंड चीज देखेंगे क्या कुछ इंटू हुआ है अगर बढ़ेगा तो अगर यही घटेगा कनेक्ट मतलब इससे अगर ये सात से कुछ छोटा होता तो समझते कुछ घटा होगा या तो कुछ डिवाइड हुआ होगा उसके बाद तीसरा चीज क्या देखेंगे कि देख रहे कहीं कोई स्क्वायर और क्यूब के आसपास तो नहीं भटक रहा है भटक रहा है तो डायरेक्ट वहीं दिमाग ले जाना है फिर चौथा चीज क्या देखेंगे कि कुछ स्क्वायर करके कुछ माइनस प्लस तो नहीं हुआ है इतना ही तो है इससे ज्यादा कहीं लॉजिक बनता नहीं है और बनेगा तो हम आगे पढ़ लेंगे अभी हम लोग देखिएगा इसको देखिए इसको क्या किया होगा सबसे पहले दिमाग जाना होगा क्या कुछ एड किया पंद्रह अगर पंद्रह एड करेंगे अट्ठाइस अट्ठाइस नहीं है अब दूसरा लॉजिक हम लोग लगाएंगे दूसरा लॉजिक हम लोग लगाएंगे बताइएगा इसका लॉजिक क्या होगा बताइए अगर इक्कीस को हम लोग छत्तीस लिखे हैं तो तेरह को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए चार ऑप्शन है एड तो नहीं हो रहा है इंटू क्या होगा अगर होगा तो कितना से होगा जितना बताएं बस उतना आप लगा के देखिए आपसे बन जाएगा ठीक है बता रहे हैं बता रहे हैं इसका एक नहीं होगा चलिए अगर को 36 लिखे हैं तो हम सबसे पहले ऐड करके देखेंगे और लेकिन अट्ठाईस नहीं है ऑप्शन में इसीलिए ये नहीं होगा क्या इंटू कुछ होगा आपका जब भी इंटू होगा ना तो एग्जैक्ट होना चाहिए इस प्रकार से बयालीस इस तरह होता तो हम लोग करते हैं अब देखिए नहीं है तो हम लोग एक चीज ये, ये भी कर सकते हैं कि कुछ इंटू करके कुछ माइनस किया होगा तो अगर हम ये सोचते हैं कि अकेश दूनी बयालीस अकेश दूनी कितना होता है बयालीस अगर बयालीस में अगर हम कितना घटा दें, 6 घटा दे तो मेरा हो जाता है छत्तीस तो ये भी लॉजिक लगा के देख लेते हैं तेरह दुनी कितना होता है छब्बीस तेरह दुनी कितना होता है छब्बीस और माइनस छ कर देंगे कितना हो जाएगा बीस ये लग जा रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा क्लियर है बीस जो है आपका राइट right आंसर हो जाएगा जितना लॉजिक बताए बस वैसी लॉजिक से ही आपका बन जाएगा तो सोचने का थोड़ा तरीका भी इसको जान लीजिएगा उसके बाद ही आप बनाइएगा नहीं तो अगर उल्टा सीधा सोचेंगे तो आपको टाइम में लगेगा बनेगा भी नहीं आपको ये बताए थे कि नहीं सबसे पहले एड सोचेंगे उसके बाद क्योंकि बड़ा है उसके बाद इंटू सोचेंगे इंटू नहीं होगा उसके बाद क्या सोचेंगे कि कहीं स्क्वायर के को आसपास जा रहा है किसका स्क्वायर के आसपास है नहीं है ये है लेकिन ये नहीं है तो तीसरा चीज क्या बोले कि कुछ इंटू करके कुछ माइनस प्लस हुआ है क्या तो यहां देख रहे हैं कुछ इंटू करके माइनस हुआ दोनों में तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ए आ गया फिर आपका अल्फाबेट का क्वेश्चन अर्थात लेटर का जहां से क्वेश्चन बनता है वहां से आ गया इसको कैसे सॉल्व करेंगे जैसे नंबर देख लिए उसको जैसे आप लेटर देख लिए अर्थात आप क्या कर रहे हैं अल्फाबेट लेटर आपको देख लिए अल्फाबेटिक लेटर जैसे आप देख लें वैसे आप क्या करिए इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें नंबर में, में. अर्थात पी को बोलते हैं सोलह पांच का नंबर होता है एफ एफ नहीं ये नंबर है पांच का नंबर होता है चौदह देखिए किसी भी तरह से क्या ये बनेगा क्या सात पांच, पांच पांच बनेगा ये सोचने का पहला तरीका है लेकिन देख रहे हैं मेरा जो है बन रहा है क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है अब देखिए नहीं बन रहा है तो क्या किया होगा ये किया होगा तो क्या किया होगा सात पांच पांच अगर आप देखते हैं कि ये सोलह है ये पांच है ये चौदह अगर सोलह को ये सात लिखा होगा तो क्या किया होगा अगर पांच को पांच ही लिखा अच्छा अरे ये चौदह को पांच लिखा तो एक चीज यहां आप देख रहे होंगे कि अगर ये सोलह को सात लिखा इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर दिया है ये पांच अकेला इसी छोड़ दिया है पांच ही होगा और इन दोनों को ये ऐड कर दिया ये कितना हो जाएगा सात ये ये ही ही है तो बेचारा रहेगा और ये आपका हो जाएगा तो पांच, 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 पांच. अब हमको लॉजिक समझ में आ गया कि क्या किया दो डिजिट है, उन दो डिजिट का योग लिख दिया है तो इसका होता है? ये कितना, होता ये कितना होता है कितना होता है आपका छह ही पंद्रह का छे हो जाएगा और सात का आपका छे में क्या होता है आपका नो no, नहीं नहीं आपका लेटर आपका नंबर ही दिया है तो क्या हो जाएगा छ छ सात सात आपका क्या है डी हो जाता है अगर ऑप्शन में देता कहीं लेटर में तो बोल देते हैं छ का होता है एफ एफ और ये कितना हो जाएगा आपका जी आपका ये आंसर हो जाता समझ रहे हैं आगे बढ़ते हैं आप देखिए जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिए आपका भाई बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है और तीस दिन ये पूरा ईमानदारी जो रहेगा ठीक है और ये तीस दिन तक ईमानदारी रहेगा तो उसके लिए आप बिंदास रहिए हम हमारे ओर से जो है आपको कोई कमी नहीं छोड़ेंगे चलेगा अगला दे, ये आपका एनोलॉजी आज का लास्ट है तो आज इसको खत्म ही करके ही हम लोग छोड़ेंगे चलिएगा ज्यादा क्वेश्चन और नहीं है तुरंत कर लेंगे आधा घंटा और लगेगा चलिएगा आंसर कीजिए इसका कीजिएगा क्या बोला है कि निम्नलिखित चार में से तीन अक्षर और अंकों के अवयवों के बीच वैसा ही संबंध है जैसा युग्म और, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है बताइएगा अर्थात जिस प्रकार से रूट को हम लोग इतना लिखे हैं वही उसी तरह से जो है चार ऑप्शन में तीन लिखा हुआ है एक नहीं लिखा उसको छांटना है कि कौन नहीं लिखा हुआ है अच्छा ठीक है लाइक कर दिए हैं चलिए कोई बात जो लाइक कर दिए उसको आ, बहुत धन्यवाद और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करें देखिएगा रूट को क्या लिखा था जिस प्रकार से रूट को जैसे हम लेटर देख रहे हैं उसका हम नंबर लिखेंगे रूट होता है अर्थात यार वो यू टी बोलेंगे तुम आर ओ यू टी लिखे हो तो हम लिखेंगे अठारह पंद्रह तो क्या होगा अगर देखते हैं नहीं लेकिन अगर इस प्रकार से देख रहे हैं अगर ये लिखा होगा तो ये लॉजिक नहीं लग रहा अच्छा आगे देखते हैं अच्छा एक चीज देखिए कि रूट है यार वो यू टी रूट है और यहां देखिए वही सब सब लेटर वही है वो टी यहां भी है टी वो यार वही है यार वो टी भी वही है अर्थात क्या करेंगे इससे कोई करने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि हम समझ गए हैं कि रूट को अगर आर वो यू टी लिखा होगा तो जिस प्रकार से लिखा होगा हमको नहीं पता क्यों हम जाने उसको यार वो यू टी को जिस प्रकार से अगर लिखा होगा क्या लिखा है कोडेड किससे किया है मतलब सदृशता किससे लिखा है फाइव फोर एट सेवन को इसका मतलब क्या है कि यार को उसने पांच लिखा होगा आर को उसने क्या लिखा है पांच लिखा है वो को क्या लिखा है फोर लिखा है यू को क्या लिखा है एट लिखा है और टी को क्या लिखा है सेवन लिखा है तो हम यहां देखेंगे कि आप देखिए और यहाँ आठ ओ के जगह क्या लिख दिया आठ लिख दिया था ये ही नहीं होगा फर्स्ट ऑप्शन आपका कट जाएगा और देखिए वो यू यार वो का कितना होता है वो का होता है चार इस प्रकार से लिख लीजिए कहीं कंफ्यूज ना कर जाए इसीलिए इसको इस प्रकार से लिखे आर आर ओ यू टी आर ओ यूटी अर्थात आर को कितना लिखे हम लोग पांच चार आठ और सात अब देखिए अब देखिए आर ओ टी आर ओ टी का होना चाहिए पांच चार सात पांच चार सात नहीं इसलिए कट गया वो यू टी वो यू टी चार आठ सात लिखा है वो यू आर वो यू आर चार आठ पांच लिखा है टी वो आर टी वो आर आठ सात चार पांच लिखा है तो कौन नहीं लिखा है आर ओ टी नहीं लिखा है तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा चलिएगा इस क्वेश्चन पे थोड़ा नजर डालिए और इसका जो है आंसर बताइए क्या क्वेश्चन बोला है बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या बोला है जैसे ही आप यहां देख लें कि वन कितना है ये एफ आई हम क्या बोले जैसे आप लेटर देखते हैं उसको क्या कर लीजिए आप उसका नंबर लिख लीजिए नंबर लिखिए सबसे पहले और आंसर बताइएगा देखिए मनीष भाई हम भी देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं 360 240 में देख रहे हैं 360 थोड़ा क्वालिटी बढ़ाइए थोड़ा देखिएगा यहाँ तीन बिंदु है उस पर क्लिक करिए नीचे लिखा होगा क्वालिटी क्वालिटी पे जाइए और थोड़ा क्वालिटी को 360 पे कर दीजिए पूरा क्लियर दिखेगा ठीक है तो आपका क्वालिटी में कोई जो है कमी नहीं है थोड़ा आप आपके टेक्निकल नॉलेज में आपको थोड़ा कमी है क्या बोला है कि ये एफ आई है ये एफ आई को अगर हम देखते हैं मेरे भाई तो ये को हम क्या बोले कि सबसे पहले वन सिक्स और नाइन कर दीजिए उसको लिखा है तेरह तेरह कैसे लिखा होगा नौ एक दस और छह सोलह अच्छा अगर पी होता तो हम लोग ऐड कर देते चलिए ये भी नहीं लिखा है अब क्या सोच सकते हैं अच्छा देखिएगा पी है पी को लिखते हैं तेरह अगर तेरह का स्क्वायर कितना होता है वन सिक्स नाइन लॉजिक हमको समझ में आ गया ये कितना हो गया वन टू वन तो वन टू वन किसका एक सौ किसका स्क्वायर होता है ये का, ये का कौन कौन नंबर में कौन लेटर आता है आपका के कौन आता है आपका के तो के आपका क्या हो जाएगा राइट अर्थात के का नंबर कितना होता है ग्यारह ग्यारह का स्क्वायर कितना होता एक है एक सौ इक्कीस वही लॉजिक लगाया कि नहीं वही लॉजिक लगाया था ए का एफ का एक, का, एक का, सभी का जो है नंबर लिख लिया हम लोग ये का नंबर होता है तेरह

देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा नजर डालिए और इस क्वेश्चन में बोला क्या है उसको पढ़िए बोला कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र के जैसा दिखता हो कौन दिख रहा है सबसे पहले एक चीज को आप पकड़िए और उसको बनाने की कोशिश करिए क्या आप देख रहे हैं आप देख रहे कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए ना कोई भी एक चीज अगर हम नीचे वाला ही पोर्सन पढ़ रहे हैं हैं कि है कि देख रहे इसके आधार जो एक क्या है सर्कल है इसके आधार पे सर्कल है नहीं है ये खत्म इसके आधार सर्कल है इसके आधार सर्कल नहीं है खत्म इसके आधार पे सर्कल है अब दो ऑप्शन खत्म दो ऑप्शन बचा अब चलते हैं इस पे पढ़ते हैं कि यहाँ कहाँ है एकदम ऊपर में जो है इस मतलब कह सकते हैं कि यहाँ जो है एक जो है सर्कल है यहाँ सर्कल है और एक नीचे सर्कल अब देखिएगा यहां देखिएगा ये यह कहा एकदम बीचों बीच अर्थात तो यहां दिखा दिया अगर यहां होता तो यहां होता लेकिन ये आपका सर्कल कहा तो होगा कौन होगा ये होगा ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सिंपल दिख रहा है तो आप एक चीज पहले पकड़िए और एक चीज से आप ऑप्शन को काटने की कोशिश करिए समझ रहे हैं ना एग्जाम में भी आपको ऐसे बनाना है कि ऑप्शन आप काटिए काटने सीखिए खास करके इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर जो है निकालने का तरीका क्या होता है कि ऑप्शन को काटना जैसे इसमें भी आप वही करिए ऑप्शन को काटिए पहले कितना ऑप्शन आप काट सकते हैं कितना ऑप्शन आप काट सकते हैं चलिएगा आंसर कीजिएगा इसका देखिए यहां बोला क्या है बोला क्या है आपको कि बोला कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम अर्थात इसके जैसा कौन दिख रहा है आंसर करिएगा कौन दिख रहा है कौन दिख रहा है तो आप ये एक चीज किसी को भी पकड़ लीजिए किसी को भी पकड़ लीजिए जैसे अगर हम पकड़ लेते हैं सपोज दैट अगर आपके कोच लोग इस तरह पकड़े होंगे कि इसको पकड़ लिया होगा वही आधार अर्थात इसके त्रिभुज के आधार में एक सर्कल है तो यहां भी सर्कल है यहां भी सर्कल है यहां भी सर्कल है, है यहां भी सर्कल तो ये जो है यहां नहीं हम कुछ करेंगे छेड़खानी नहीं करेंगे अब चलते इस स्टार पे क्या है कि इधर एक स्टार है इधर दो त्रिभुज है एक जो है उसी के अपोजिट अर्थात जो उसका आधार है उसको क्या किया है दोनों को जो है एक उल्टा के लगा दिया अर्थात इसका तर, एक तरह से देख सकते हैं इसका वाटर प्रतिबिंब है अगर इसका वाटर प्रतिबिंब हम बनाने बोले तो कैसे बनता है इसी प्रकार ने बनेगा अर्थात इस प्रकार से सटा के रख दिया है तो देखते हैं हम ऑप्शन में चेक करते हैं यहाँ एक तरफ है लेकिन एक तरफ नहीं है ये कट जाएगा एक तरफ है दोनों तरफ है ये यह रहेगा यहाँ दोनों तरफ नहीं है अर्थात एक तरफ देखिए ये त्रिभुज वाला वाटर प्रतिबिंब बना है लेकिन ये स्टार नहीं है इधर होना चाहिए नहीं है अब इस पे जो है दोनों तरफ है अब दोनों पे हम चलते हैं आप दो ऑप्शन आपका बच गया अगर आपका दो ऑप्शन बच गया है और दोनों ऑप्शन अगर एक ही जैसा लग रहा है तो कौन हो जाएगा अच्छा देखिएगा ये बॉक्स में नहीं है ये बॉक्स में नहीं है तो कौन हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा आंसर कौन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा तो आप एक चीज को पकड़िए और उसके थ्रू से ही आप जो ऑप्शन है उसको आप इलिमिनेट करने की कोशिश करिए छाटने की कोशिश करिए तो जो है आपका जो है दो तीन ऑप्शन खत्म हो जाएगा एक ही ऑप्शन आपका बचेगा देखिएगा अगले क्वेश्चन पर इस पर आप चलिएगा इसका आप सॉल्व करिए और आंसर करने की कोशिश करिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा क्या बोला है कि विकल्पों में से कौन से विकल्प चित्र का निकटतम सदृश अर्थात इसके जैसा दिखने वाला कौन है तो आप एक चीज को बोले पकड़ना पकड़िएगा और आंसर बताइएगा हंड्रेड परसेंट आया है डी और डी ही थ, सही था चलिएगा इस आंसर का आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा ऑप्शन हाँ, के बारे में बोल रहे हैं क्या इसका ऑप्शन अगर दिया ऑप्शन आपका इसी प्रकार से रहेगा जो भी क्वेश्चन है आपको पूरा क्लियर लेके आए हैं इसमें जो है कुछ छांट उट नहीं किए ऑप्शन हाँ बहुत सही एक चीज एक चीज बहुत सही बताए हैं जो भी पूछे बहुत अच्छा कुछ पूछे देखिएगा अब देखिए ऑप्शन कौन होगा ये तो डी चलिए ठीक है डी जो है पार्ट है ये सही होगा अब देखिए ऑप्शन भी आपको क्या किया ने चार बराबर भाग में बांट दिया है अर्थात ये भाग में दिया है, ये ऑप्शन ये दिया है सी दिया D दिया डी चार भाग में बांट दिया और आपका आंसर कौन हुआ डी भाग वाला हुआ तो देखिए ऑप्शन में भी आपका स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी दिया तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज कर जाएंगे हो सके अगर पहली बार देखेंगे तो गारंटी है कन्फ्यूज करेंगे तो इसमें आप देखिए डी जो दिया है तो आप देखिए डी कहां है देखिए डी कहां यहां है तो ऑप्शन आपका ये राइट right हो जाएगा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट right. तो आपको ऑप्शन ही घेरना होता है अर्थात क्लिक करना होता है तो ऑप्शन ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत सही पूछे हैं जो भी पूछे हैं अर्थात डी तो मेरा सही होगा लेकिन ऑप्शन डी मेरा सही नहीं होगा आप देखिए डी किस ऑप्शन में है तो डी जो है मेरा ऑप्शन ये में था अर्थात यहां जो है चार बराबर भाग में बांट दिया है और उसको ये भी सिटी में दे दिया और ऑप्शन भी आपको स्मॉल ये स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी में दे दिया तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जा हो, मतलब हो जाएंगे अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि डी है इसका मतलब देखेगा कि किस ऑप्शन में डी है तो ऑप्शन ये में है इसीलिए वो आपका राइट right आंसर हो जाएगा बहुत अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए अगर आप यहां देखते हैं सबसे पहले एक चीज पकड़ेंगे ये आप, 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 आपका क्या है क्या है आपका समलम चतुर्भुज है तो देखते हैं कि समलम चतुर्भुज के जो पैरल साइड है ना उसके बड़े वाले साइड की ओर क्या है एक आपका फेस का एक्सप्रेशन होगा इस प्रकार से है कि नहीं तो आप देखिए कि क्या है कि समलम चतुर्भुज के सबसे जो पेरल साइड है ये और ये पैरल होता है मैथ हल्का फुल्का पढ़े कि नहीं तो अर्थात ये जो है सबसे जो बड़ा साइड है उसके उससे सटा जो है एक आपका फेस का एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो यहाँ क्या यहां होना चाहिए कहीं सटा हो क ये नहीं होगा ये है नीचे होना चाहिए क्योंकि बड़ा वाला जानते हैं ये भी नहीं होगा या तो आप पूछ सकते हैं इसको कुछ घुमा के भी देख सकते हैं लेकिन हम पहले यही चेक कर लेते हैं अब देखिए और कहीं है ये है ये हो सकता है ये भी हो सकता है अब दो ऑप्शन बच गया कि यहां पे देख रहे हैं कि जो आपका पेरलर साइड के जो सबसे बड़ा वाला साइड है उधर भी उससे सटा है आपका क्या है लेकिन ये सटा नहीं दोनों सटा नहीं अगर आप देखेंगे तो ये दोनों में से कोई भी आंसर सही नहीं होगा तो यहां जो है आपका क्या हो जाएगा ना कि सभी को नंबर मिल जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ सटा हुआ है लेकिन क्या यहाँ सटा हुआ है नहीं सटा है किसी में नहीं सटा है तो आज फिर भी देखते हैं फिर भी देखते हैं कि कौन होगा तो आप एक तरह से देखिएगा ये जो है किधर है नीचे है यहां भी नीचे है यहां भी नीचे है लेकिन ये देखिए ये किधर जा रहा है आपका ये किधर जा रहा है ये किधर जा रहा है आपका बाई ये किधर होता है दाई अगर इसको आप देखते हैं तो ये भी आपका किधर जा रहा है दाई ही जा रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा या तो आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि अगर इसको आप 90 डिग्री घुमा दें नाइन्टी डिग्री अगर आप घुमा देते हैं अर्थात क्लॉक अगर नाइन्टी डिग्री घुमा देंगे तो इस प्रकार से यह बन जाएगा यह हुआ कि इसको केवल घुमाने से यह बन गया इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा सदृशता हो जाएगा क्या किया केवल घुमा के इसको लिख दिए हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा समझ पाए कि नहीं क्या किए इसको 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज हम घुमा दे तो ये आपका आ जाएगा ये नहीं आएगा क्योंकि ये आपका नीचे जा रहा है ये नीचे है क्या नहीं ये आपका क्या है दाई तरफ जा रहा है तो इधर से अगर आप देखते हैं इस प्रकार से फिगर आएगा घुमाएंगे तो दाएं किधर होगा इधर ये भी नीचे जा रहा है इसका मतलब इसका जो सदृशता होगा ये होगा अर्थात तो इसके जैसा कौन है ये है ना कि ये है, ये नीचे जा रहा है चलिएगा अगले क्वेश्चन पे थोड़ा इस पे नजर डालते हैं और इस क्वेश्चन का जो है आंसर बताइएगा चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा क्या होगा भाई लाइक कर दो रिंकू देखिए ज्यादा मत बोलिए नहीं तो अगर लाइक कर देगा एक बार अगर लाइक कोई कर चुका है और फिर उसको लाइक करने बोल रहे हैं तो क्या होगा को जो हो मिला वो भी खत्म हो जाएगा इसीलिए ज्यादा लाइक मत बोलिए करने ठीक है तो जो है बस उतना में ही खुश है <laughs> नहीं तो पता चला कि जो भी आया वो भी सब खत्म हो जाएगा तो एक बार ही लाइक करना है देखिएगा उत्तर चित्रों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न चित्र में श्रृंखला पूरी करें करने करते यह हुआ कि अगर इसका एनालॉजी ये है इसका सदृशता यह दिखाया है तो इसका क्या होगा जिस प्रकार से इसको दिखाए हैं जो लॉजिक यहां लगा वही लॉजिक आगे भी लगाना है लगाइएगा क्या होगा क्या होगा एक तरह से इस प्रकार से सुन सकते हैं कि इसको पकड़िए ये जो है ना तीर का निशान है इसको पकड़िए अगर इसको पकड़ते हैं और इसको क्या कर देते हैं देखते हैं कि एक बार इधर घुमाएंगे अगर 90 डिग्री घुमाते हैं तो इस प्रकार बनेगा फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो इस प्रकार बनेगा तो ये क्या है कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया क्या किया है देखिए ये जो है इधर देखिए इधर है तीर का निशान नाइन्टी डिग्री घुमाएंगे इधर फिर नाइन्टी डिग्री घुमाए इधर तीर का निशान किधर नीचे इसका मतलब क्या किया है ये जो है एक डिग्री क्लॉक घुमा दिया अर्थात इसको भी हम क्या करेंगे वही लॉजिक लगा के क्या करेंगे एक डिग्री क्लॉक वाइज घुमाएंगे हम एक तीर को पकड़ेंगे हम इसको पकड़ते हैं अगर इसको 90 डिग्री घुमाते हैं तो पहले 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है तीर नीचे आ आ जाएगा इस प्रकार से ये ये तीर ये तीर क्या नीचे है। फिर 90 डिग्री घुमाएंगे क्योंकि 180 डिग्री घुमाना है तो जैसे इसको घुमाएंगे कैसे आ जाएगा इससे अब देखिए ये जो तीर है इधर कहा है इधर ऑप्शन चेक करिए ऑप्शन चेक करिए तो ऊपर भाग, भाग रहा है ये नहीं होगा ऊपर भाग रहा है ये नीचे आ रहा है हो सकता है ये जो है नीचे भाग रहा है ये नहीं होगा ये ऊपर भाग रहा है ये भी नहीं होगा कौन होगा ऑप्शन ये होगा अब यहां देखिएगा कि ऑप्शन कौन होगा आपका पार्ट थ्री होगा लेकिन भाग तो थ्री होगा आप देखिए ऑप्शन में कहां है यहां दो है ऑप्शन ए में दो है ये नहीं ऑप्शन डी में देखिए तीन है तो आपका ऑप्शन डी थ्री होगा कौन होगा ऑप्शन डी थ्री होगा ध्यान रखिएगा थोड़ा ऑप्शन में भी आप कंफ्यूज ना कर जाएं चलेगा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है अच्छा इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं अब आंसर बताइएगा इसका देखिए आराम से देखिए और इसका आंसर बताइए एक चीज है जितने लोग देख रहे हैं ना चालीस से 45 लोग जो है रेगुलर हैं वैसे तो संख्या बढ़ भी रहा है घट भी रहा है लेकिन चालीस से लोग यहां से हमको पता चलता है कि कितना आप लोग जो है रेगुलर देख रहे हैं क्योंकि यहां हमको सब कुछ डिटेल मिल जाता है तो जितने लोग रेगुलर देख रहे हैं वो समझिए आगे जो है आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है क्योंकि आपका जॉब बहुत ही जल्द लगने वाला है आप तीस दिन अगर इस प्रकार से पढ़ेंगे तो तीस नंबर आपका बनेगा उसके बाद थोड़ा मैथ में और थोड़ा रीजनिंग में मैथ कर मेहनत कर दीजिए आपका सिलेक्शन पक्का तो इतना अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं भाई तो थोड़ा जो है इसको और थोड़ा मेहनत करिएगा ताकि मेहनत में कोई कमी ना हो मेहनत कर रहे हैं तो पूरा मेहनत करिए नहीं तो छोड़ दीजिए देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है कि सभी को अर्थात इसका जो है सदृशता ये है तो वही सेम लॉजिक लगा के इसका क्या होगा तो अगर आप देख रहे हैं क्या ये सबका तीर किधर है ऊपर है लेकिन सबका तीर किधर कर दिया नीचे कर दिया तो चलिए हम भी तीर तो वही नीचे कर देंगे और क्या किया है कि ये जो आपका बाई साइड था उसको दाई साइड ले गया है तो हम क्या समझे कि दो चीज इसने किया है कि एक जो तीर ऊपर था उसको नीचे कर, क्या कर दिया ऑपोजिट कर दिया एक तरह से समझ सकते हैं वो वाटर प्रतिबिंब होता है कि नहीं उसी का ऑपोजिट होता है तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं और दूसरा क्या किया है कि जो दाई तरफ था उसको बाई तरफ जो बाई तरफ था उसको दाई तरफ जैसे देखिए ये आपका क्या है बाई तरफ है उसको कर दिया लेके दाई तरफ हम लोग क्या करेंगे वही सेम करेंगे क्या करेंगे जो सबसे नीचे है उसको क्या कर देंगे सबसे ऊपर अर्थात यहां आपका हो जाएगा सबसे ऊपर ये वाला हो जाएगा सबसे ऊपर और ये जो आपका तीर का निशान जो है इधर है इधर इस साइड उसको हम किधर कर देंगे आपका बाई साइड कर देंगे अर्थात ये जो होना चाहिए सबसे ऊपर होना चाहिए और बाई साइड होना चाहिए ये हो रहा है ये हो रहा है ये नहीं हो रहा है ये नहीं हो रहा है ये नहीं हो रहा है अब देखिए ये हो रहा है तो देखिए ऑप्शन कौन हो गया मतलब भाग कौन हो गया भाग ये जो है आपका सही हो गया अब ऑप्शन में चेक करिए ऑप्शन में भाग ये कहा दिया ऑप्शन ए में भाग दिया ऑप्शन ये ही है स्मॉल 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 बी दिया दिया है दिया, c, दिया है सी डी तो कौन होगा आपका ऑप्शन ये जो है आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा आपका राइट right आंसर हो जाएगा थोड़ा ऑप्शन भी चेक करने जो है आप सीख लीजिए ऑप्शन जो है आप चेक करने थोड़ा सीख लीजिए चलिएगा इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा क्या है बताइए क्या होगा अगर आप इसको देखते हैं चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए रंजन मारंडी बता रहे हैं ये ये ही होगा रंजन मारंडी बहुत सही और थोड़ा जल्दी आया के रंजन आप बहुत लेट से आए जितने लोग पीछे से जुड़े हैं जैसे सौरभ है महेंद्र हैं ये भी लेट से आए हैं राकेश जुड़े हैं शुरू से मोहित भी जुड़े हैं तो थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करिए इससे आप ही को फायदा होगा अब यहां देखिए पी को इस प्रकार से देखा एक चीज आपको बता देता है वाटर और अगर आप वाटर इमेज और अगर, अगर मिरर इमेज पढ़े हैं तो अच्छी बात है नहीं पढ़े है, तो कोई बात नहीं आपको पढ़ाएंगे हम यहाँ देखिए अगर पी को हम क्या करेंगे पी को अगर हम एंटी क्लॉक देखिए दो चीज होता है एक होता है क्लॉक एक होता है एंटी क्लॉक अगर हम क्लॉक वाइज घूमें

थोड़ा जो है आपको जो है सोचना है कल्पना करना है कि कैसे हो सकता है अगर पी को आप पी जो है मेरा इस प्रकार से है अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो कैसे बन जाएगा ये इस तरह बन जाएगा कैसे बन जाएगा इस प्रकार से बन जाएगा इसका मतलब क्या किया होगा कि इस प्रकार से अगर है कोई तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो ये दे इस तो प्रकार से होगा तो ये क्या हो गया इसका जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है कितना नाइंटी डिग्री का हम लॉजिक समझ गए अगर इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो कैसे होगा अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए कैसे घुमाएंगे अगर इस प्रकार से है उसका एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो कैसे बनेगा इससे बनेगा ऐसे बनेगा कि नहीं तो देखिए ऑप्शन में कहा है ऑप्शन में कहा है ऑप्शन में कहा है ऑप्शन ये होगा ऑप्शन डी अब देखिए ऑप्शन अर्थात भाग इसको इस पार्ट में दे दिया कि चार पार्ट में दे दिया पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी अब फिर ऑप्शन दे दिया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी अब देखिए डी कहां है डी किस ऑप्शन में डी इस ऑप्शन में तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा तो थोड़ा ऑप्शन को भी ध्यान रखिएगा है. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हाँ ये क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ठीक है इस क्वेश्चन को सॉल्व किए क्या बोला है कि घन को वर्ग बोले हैं तो वर्ग का क्या होगा वर्ग का क्या होगा क्या होगा बताइएगा दो घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं तो सही है अगर दो घंटा से अगर कम पढ़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं एक <laughs> ही बात जो है आपको बार बार याद दिला रहे हैं क्या हुआ कि कि घन घन को वर्ग बनाए अर्थात समझिए जो होता है और हम इस प्रकार से सबसे पहले लॉजिक लगाएंगे घन में छह साइड और दो साइड घटा वर्ग में आपका चार साइड होता है कि नहीं तो क्या किया दो साइड घटा दिया अगर वर्ग है तो दो साइड घटा देंगे दो साइड क्या होगा दो साइड किसका होता है दो साइड किसी का होता है नहीं होता अब दूसरा सोचेंगे कुछ और सोचेंगे अब देखते हैं घन है घन को वर्ग अर्थात एक इस प्रकार से भी आप सोच सकते हैं कि घन से ही तो हम लोग वर्ग से ही तो हम लोग घन बनाते दे हैं देखिए दो अगर हम वर्ग मिला दें तो क्या घन नहीं बनता है दो वर्ग लिखे हैं देखिए मिला देते हैं घन बन गया तो इस प्रकार से हम सोचते हैं कि वर्ग किससे बनता है तो वर्ग किससे बनता है आपका रेखा से बनता है क्योंकि देखिए रेखा एक रेखा दो तीन चार आपका बन गया तो कहने का यहां लॉजिक क्या लगा कि घन जो बनता है वर्ग से बनता है तो वर्ग किससे बनता है आपका रेखा से बनता है किससे बनता है रेखा से बनता है तो ऑप्शन आपका डी हो गया ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी हो गया जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा चलिएगा एक कुत्ता और शेर कहां से घुसाया देखिएगा बोर्ड के अंदर हा क्या बोला है कि दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुने अर्थात क्या अनुपस्थित है उसको चुनिए आप बोला क्या है कि कुत्ता लिख दिया है और बोला कि कि कुत्ते का का रहने का घर हम जानते हैं कुत्ता और कुत्ते का का रहने का घर मतलब बोल दिया कि कुत्ता है और उसका रहने का घर दे दिया है और यहाँ क्या दे दिया शेर तो शेर का रहने का घर क्या होगा बताइएगा अभी आपको बताएं कि नहीं जब क्लास स्टार्ट हुआ था उस तरह आपको बताए थे कि आपको शेर कहां रहता है शेर आपका कहां, कहां रहता है गुफा में रहता है कहा रहता है गुफा में डैन में रहता है डी एन और लोमड़ी कहां रहता है आपका कहां रहता है वो मांद में रहता है इसका ये गुफा में रहता है शेर कहां रहता है शेर का रहने का स्थान कहां है आपका गुफा है घोसला में कौन रहता है चिड़िया पक्षीशाला में हम लोग पक्षी को वहां रखते हैं झोपड़ा में जो है यहां तो यह कुछ नहीं होगा चलिएगा अगले देखिएगा उसी प्रकार से यहां देखिए क्वेश्चन देखिएगा क्या है क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करिए क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि अंगूर दिखा दिया है बोल दिया बंच अर्थात ये जो है बंच क्या होता है गुच्छा क्या होता है आपका गुच्छा होता है तो सीप दे दिया है सीप ये भेड़ है थोड़ा देखिए सही से ये जो है भेड़ है भेड़ का ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं बताए थे कि नहीं क्या कहते हैं क्राउड तो होता है आदमी का भीड़ फ्लॉक होता है क्या होता है आपका फ्लॉक होता है फ्लॉक को बोलते हैं आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं फ्लॉक होता है आपका भेड़ का ग्रुप को अगर मवेशी का आपका ग्रुप होता तो हम लोग क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कल जो लिखा है फ्लॉक होता है उसका भी सर फ्लॉक ही होता है क्या होता है फ्लॉक नहीं हट होता हट एच यार देख लीजिएगा थोड़ा हम कंफ्यूज इसमें कर रहे हैं कल आपको लेकिन लिखा भी दिए देखिएगा आर्मी क्या होता है आर्मी का बताए थे आर्मी जो होता है सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है चलिएगा इस पे आप दिमाग लगाइए क्या है एक क्वेश्चन ध्यान न बढ़ो देखिए चलिएगा इसका आंसर बताइएगा क्या है कि हैंडबॉल को साथ से दिखाए इसका मतलब क्या हुआ कि हैंडबॉल खेलता होगा उसमें सात खिलाड़ी होगा यही नहीं बता रहा होगा तो इसका मतलब हैंडबॉल जो खेल खेलता है उसमें सात खिलाड़ी है तो बताइएगा कि फील्ड हॉकी में कितना है अभी आप हॉकी देखे होंगे इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल लेके आया तो हॉकी का क्या होगा क्या होगा तो आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से हैंडबॉल में सात खिलाड़ी, खिलाड़ी होता है ना फील्ड हॉकी में ग्यारह खिलाड़ी होता है ये गारा खिलाड़ी होता है ये स्टेटिक आपका जीएस का भी पोर्शन में आपको पूछ लेता है कि बताइए हैंडबॉल में कितना खिलाड़ी होता है बेसबॉल में कितना होता है तो आपको एक बार लिखा दे रहा है इसको भी थोड़ा लिख लीजिएगा आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन जो है लगभग समाप्त हो जाएगा चलिए आपको जो है लिखवा देते हैं ज्यादा नहीं एक दो क्वेश्चन और बचा है तो आप टेंशन मत लीजिएगा चलिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए लिख लीजिए जैसे अगर आपसे पूछ दे बेसबॉल बेस बॉल में रगबी लिखिए रगबी से बहुत ज्यादा पूछा रगबी रगबी में कितना खिलाड़ी होता है तो आप जानते हैं रगबी में जो होता है ना पंद्रह खिलाड़ी होता है क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो चाहे हॉकी हो उसमें कितना खिलाड़ी होता है ग्यारह ग्यारह खिलाड़ी होता है फुटबॉल और क्या होता है क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी हॉकी हो कितना खिलाड़ी होता है ग्यारह खिलाड़ी होता है उसी प्रकार से आपका जो बेसबॉल होता है ना उसमें नौ खिलाड़ी होता है किसमें नौ खिलाड़ी बेसबॉल बेसबॉल अमेरिका का बहुत ही पॉपुलर खेल है नौ खिलाड़ी होता है उसी प्रकार से खो खो में कितना होता है सात होता है और अगर आपसे पूछ दे बेसबॉल खो खो में सात या नौ और बस इतना याद रखें रग्बी क्रिकेट फुटबॉल हॉकी बेसबॉल में नौ होता है इतना याद रखें और अगर याद आता है तो हम बताएंगे ठीक है कभी कभी भी हम बता सकते हैं चलिए इस क्वेश्चन को आप आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर करिए क्या दिखाया है चलिए ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है शुरू से अंत तक रहें तो आप इससे अंजादा लगा सकते हैं कि मेरे साथ आप भी मेहनत कर रहे हैं बहुत खुशी हुई ये जानकर कि देखिए बहुत ही अच्छा रेशियो है क्या है दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुने बताइएगा कि ये जो सब कुछ दिया है उसके लिए सबसे अच्छा शब्द क्या होगा अच्छा शब्द पूछा है तो देखिए सबसे पहले सोचिए ये क्या दिखाया है ये दिखाया है क्या धूप है क्या है धूप पड़ रहा है ये क्या दिखाया पानी पड़ रहा है क्या दिखाया है पानी और ये बाबू साहब क्या किया है टोपी पहना है और इसको ठंडा लग रहा है स्वेटर वेटर पहन लिया क्या किया है स्वेटर वेटर पहन के जो है अपना रेडी ने तो क्या दिखा यहाँ गर्मी लग रहा है यहाँ बरसात हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है ठंडी पड़ रही है तो क्या होगा इसके लिए तीनों के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा बर्फ गर्मी गर्मी तो यहाँ केवल हो रहा था वर्षा वर्षा केवल इसमें हो रहा था मौसम सही बात है क्योंकि गर्मी सर्दी और बरसात तीनों क्या होता है मौसम में आता तो इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा मेरा बरसात होगा तो चलिए आज जो है आपका एनालॉजी का क्वेश्चन समाप्त हुआ क्या नहीं हुआ है क्या अच्छा, कुछ क्वेश्चन छूट गया। देख लीजिए जल्दी जल्दी। नहीं तो छोड़ेंगे तो नहीं चाहे जो है चार पांच चार क्वेश्चन और है मेरे भाई देख लीजिएगा इसको जल्दी जल्दी में देख लेते एक क्वेश्चन ही आपका गलत था चलिएगा इस क्वेश्चन को देखिए चलिएगा चार क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आप बचा है इसका आंसर बताइएगा अगर इतना देर रहे हैं तो चार क्वेश्चन के लिए भी आप लोग पढ़ लीजिए चार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए क्या बोला है कि उस उत्तर आकृति में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे प्रश्न आकृति से ठीक उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरे प्रश्न आकृति पहली प्रश्न आकृति से संबंधित तो डायरेक्ट मेरे भाई बोल देते कि सदृशता है एनालॉजी अर्थात जिस प्रकार से इसको दिखाया उसी प्रकार से इसको कैसे दिखाएंगे तो ये क्या किया है कि इसको दो टुकड़ा काट लिया और उसको क्या कर दिया है या तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ये जो है इसका वाटर प्रतिबिंब लेके इसको जोड़ दिया है समझ सकते हैं नहीं नहीं वाटर प्रतिबिंब रहता तो केवल एक लेटर नहीं ये नहीं सोच सकते ये सोचना मेरा गलत है यहां क्या किया है कि दो बराबर भाग में बांट दिया है उसके बाद क्या किया कि नीचे वाला को वैसा ही रखा और ऊपर वाला को क्या कर दिया पलट के जो है उस पर रख दिया नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन को हम उसे वैसे ही रख दिए इस वाले पोर्शन को हम वैसे ही रखे हैं लेकिन देखिए ये वाला पोर्शन लेकिन इसको क्या करें इसको पलट के रख दिया अर्थात इधर से उल्टा के रख दिया तो हम भी यही करेंगे अर्थात ये वाला पोर्शन को तो हम नीचे वाला पोर्शन को इसी तरह लिखेंगे नीचे वाला पोर्शन ऐसे ये जो है इसको हम अगर उल्टाते हैं तो ये जो देखिए कोना जो है इधर आपका बढ़ रहा है इसका मतलब ये कोना किधर बढ़ रहा होगा ये थोड़ा उठेगा इधर इस प्रकार से कहीं बनेगा क्या क्या सही है हम सही है कि नहीं है सही है हम अर्थात इस प्रकार से बनेगा क्यों क्योंकि इसको हम जब पलटेंगे तो पलटेंगे तो ये जो कोना होगा ये मेरा नीचे आ जाएगा और ये थोड़ा देख रहे हैं कि ज्यादा उ... आपका साइड भाग रहा है अर्थात ये जो है इस प्रकार से कहीं होगा अब चलते हैं ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं अनजादा लगभग लगा लिए इस तरह ये तो नहीं होगा ये मेरा कट गया ये जो होगा ये तो लगभग सेम है ये कट गया ये भी देखिएगा अब देखिए तीन जो है ये भी नहीं होगा क्योंकि ये जो है थोड़ा इधर झुका है ये इधर झुका के लिख दिया तो ये भी आपका नहीं हुआ अब बात करते हैं इन दोनों पे बात किस में कर रहे हैं इन दोनों पे थोड़ा देखिए ये कंफ्यूजिंग है आप देखिएगा दोनों में कौन होगा ये अगर आप खुद से आप इमेजिंग करिए थोड़ा अपने आप में कल्पना करिए कि कैसे हो सकता है ये को अगर इससे रखेंगे तो थोड़ा इधर झुकेगा ना कि थोड़ा उधर झुकेगा इधर तो ये झुका है हल्का तो जो है ये नहीं होगा यही होगा कौन होगा पार्ट थ्री होगा पार्ट थ्री आपका राइट आंसर होगा अब देखिए कि कौन ऑप्शन में पार्ट थ्री दिखाया है तो यहां देखिए पार्ट थ्री को दिखाया ऑप्शन सी में तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा तो थोड़ा यहां सोचिए कि ये जो झुकेगा ये इधर ना झुक के किधर झुकेगा इस प्रकार से बनेगा इस प्रकार से बनेगा इस प्रकार से कहीं ये बनेगा इस दे बना नहीं पा रहे हैं थोड़ा इसमें हम थोड़ा कमजोर हैं तो माफ कीजिएगा इसके लिए तो आप लोग बस यही दे, समझ लीजिए थोड़ा इमेजिन कर लीजिएगा इसका यही आंसर हो जाएगा क्लियर है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या है चलिए इसका आंसर बताइएगा कल 2000 2018 में दो बार आया है देखिएगा ये क्वेश्चन बोला क्या है कि सबसे पहले दिखाया कि उत्तर आकृति में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है तो देख रहे हैं कि ये को भी दिखाया क्या किया है कि त्रिभुज मेरा क्या था कलर नहीं था अर्थात तो वो जो है छांकित नहीं किया हुआ था केवल सर्कल छ्यांकित किया हुआ है अब इसका एनालॉजी जो दिखाया है वो कैसे दिखाया है कि सर्कल को इस प्रकार खाली इस बार छोड़ दिया और वो जो आपका खाली था उसको हम लोग क्या कर दिए इस बार पेंट कर दिया तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे क्या करेंगे कि इस बार जो है जो यहाँ क्या है कि मेरा वर्ग जो है कलर किया हुआ है वर्ग को इस बार हम क्या कर देंगे खाली छोड़ देंगे अर्थात तो वर्ग को कलर नहीं करेंगे और ये जो आपका इस प्रकार से जो बना है उसको क्या कर देंगे हम लोग पेंट कर देंगे क्या कर देंगे हम लोग पेंट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये ये जो है पेंट किया हुआ भाग तो देखिए यहाँ कहाँ है अर्थात ये जो है स्टार टाइप का जो है स्टार नहीं कर सकते हैं जो भी है अर्थात ये जो है आपका कलर किया होगा कहाँ कलर किया है इसमें कलर किया है नहीं किया है इसमें नहीं किया है इसमें कलर किया है अब देखिए ये खाली है यहां भी खाली है लेकिन यहाँ क्या है कि इसको किसमें पैक किए थे हम लोग वर्ग में तो ये भी किसमें पैक होगा आपका वर्ग में ही पैक होगा तो कौन हो जाएगा कौन हो जाएगा आपका अगर तीन है तो एक बढ़ा के हम लोग किए थे है ना इस प्रकार से भी हम सोच सकते हैं कि ये त्रिभुज था तो एक चतुर्भुज में हम लोग इसको जो है बंद किए तो चतुर्भुज है तो पंचभुज में हम लोग पैक करेंगे तो पंचभुज कहा है ऑप्शन सी तो ये जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा सही है चलिएगा बहुत सही ये हो जाएगा आपका राइट सोच सकते हैं इस तरह ना क्योंकि ये देखिए तीन था तीन का चार किए इसका मतलब चार है तो क्या करेंगे हम लोग पांच करेंगे ये चतुर्भुज है कि नहीं है तो इसका मतलब पंचभुज में इसको पैक किए होंगे तो पंचभुज कहा है ऑप्शन सी में चलिए इस क्वेश्चन को आप करिए अच्छे से पढ़िए और आंसर करने की कोशिश करिए क्या बोला है बोला है वही, वही सदृशता दिखाया है अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता है अर्थात इसके जैसा कौन दिखता है आप देखिए एक चीज को बोले जब भी दिखने वाला बात है स्टार देखिए कहाँ है आपका इससे सटा हुआ है अर्थात लेंथ से सटा हुआ है और स्टार आपका लेंथ से सटा हुआ है सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं लेंथ से सटा हुआ है नहीं सटा ये सटा है सटा है, ये हो सकता है ये सटा ये तो सटा नहीं ये तो घुस गया पूरा ये नहीं होगा ये देखिए सटा तो है लेकिन कौन भाग सटा है ये एकदम आप शीर्ष भाग समझ सकते हैं कि स्टार का जो शीर्ष भाग है वो सटा है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहां देख रहे हैं कि ये शीर्ष ना सटके ये जो है साइड सटा है. तो साइड कहां सटा केवल यहां सटा है तो इसका सदृश क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तो चलिए आज के लिए बस हम लोग और है क्या चलिए ठीक है आज के लिए बस हम लोग आज का जो है आपका आज जो है एनालॉजी पूरी कंप्लीट हो गया अर्थात अब जो है आपको एनालॉजी से कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए और आप हल्का फुल्का जो है आप थोड़ा घर में भी जो इसको प्रैक्टिस करिए इसका अगर बुक नहीं है तो आपका बुक जो है हम पी जो है बुक का पी ही पूरा डाल देंगे आपको किसमें व्हाट्सएप में अगर आप जुड़े हैं तो व्हाट्सएप में भी आपका हो जाएगा और टेलीग्राम चैनल में जो आपका ए के स्टडी का जो है टेलीग्राम चैनल उसमें भी आपको डाल दिया जाएगा अगर किसी लोग को अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप इस इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा सेवन फोर एट एट सेवन फोर जीरो फोर फोर फाइव ये मेरा नंबर है इसमें फोन मत कीजिएगा लेकिन ये जो है आप मैसेज जरूर कीजिएगा अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई हम जरूर करेंगे ठीक है तो इतना ये मेरा नंबर है इसमें आप मैसेज कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि ग्रुप में ऐड होना सर ऐड कर दीजिए ऐड कर देंगे आपको ठीक है तो और थोड़ा प्रैक्टिस करिए खुद से भी हल्का फुल्का जो है क्वेश्चन कोई भी किताब है ना उससे लेके थोड़ा प्रैक्टिस करिए और जो आपको जो दिए हैं अर्थात जो आपको थियोरी वाला पोर्सन वाला जो आपको पीडीएफ दिए हैं वहां से उसको थोड़ा बार बार दो चार बार पढ़िए और आज जो भी लिखा है उसको भी पढ़िएगा ठीक है तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं फिर हम लोग मिलते हैं कल सुबह नौ बजे और सभी लोग एक एक दो, -दो दोस्त को भी लेके आना है ठीक है तो आप सभी को लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स जय हिंद जय भारत थैंक यू